गुड मॉर्निंग भूल गया, आई एम सॉरी. ये मुझसे क्यों होता है ब्लंडर बड़े दिनों बाद हुआ, आई एम सॉरी. फिर भी बहुत याद आ रहा है मुझे अपना मॉर्निंग शो. तो शाने सऊर में आपको वेलकम करते हैं. वो गुड मॉर्निंग एडिट करवा देना ताकि सुबह साबिया बचाओ. भाई क्या कभी कभार ब्लंडर हो जाते हैं हमसे भी. कैसी हो? मैं ठीक हूँ. वालेकुम सलाम. आज एक्चुअली मैं पुरानी और नई चीजों को मिक्स करने वाली हूँ, तो मुझसे ऑटोमेटिकली पुराना और नई चीज मिक्स होगी. गुड मॉर्निंग और शाने सऊर. असल में मेरी कल एक दोस्त मुझसे कहने की कि 15-16 रोजे होते हैं ना, उनको मंजिले रोजे कहते हैं. तो नई और पुरानी यादें मिक्स हो गई हैं यार. आज वैसे भी मुझे पता नहीं क्यों आधे सर का दर्द हो रहा है. आज रोजा थोड़ा सा लग रहा था तो, लेकिन खैर अच्छे से गुजर गया. और हाँ, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम शो पे बहुत ही मज़ेदार गेस्टों से आपको मिलवा रहे हैं, जैसे कि रोज़ मिलवाते हैं. लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हर चीज़ में मायना रवि बहुत ज़रूरी है, सो अगर हम वहाँ से शुरू करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पुरानी टिप्स और कुछ पुरानी बातें इतनी ज़्यादा मुफीद होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक होती हैं वो टोटके, वो स्किन की चीज़ें, कि आजकल की नई क्रीम्स भी जो है ना, उस उनका नेमल बदल नहीं होती. मगर अगर आप उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके करें, सो मैं आपको गारंटीड कह रही हूँ कि नए पुराने प्रोडक्ट्स को, मतलब नए प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा मिलाइए और कभी कभार कुछ टोटका कर लीजिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मुफीद आपके लिए लगेंगे. क्योंकि विटामिंस जो है ना लेटेस्ट, वो बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए. और साथ साथ आप कोई टोटका वगैरह बालों के लिए, स्किन के लिए वो अपनाएं विटामिंस के साथ साथ. उसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि पुराना फैशन होता था डिफरेंट, गरारे ये वो, जाहिर है उसकी अपनी एक लज्जत थी, उसकी अपनी एक खूबसूरती थी. मगर आज के डिज़ाइनर्स को आप देखिए, वो जो पुराना फैशन है उसको उन्होंने मर्ज कर लिया है, रिवाइव कर लिया है आज के फैशन के साथ. गरारा पैंट शुरू हो गई हैं. जी गरारे तो हैं, लेकिन वो फिटिंग वाले गरारे हैं, कमीज़ें थोड़ी सी लंबी हैं. सो उसमें उसमें जो है ना, दोनों टच के साथ आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे होते हैं. जैसे गरारे में एक ढीला ढीला सा लुक होती थी ना, मगर अब जब आप उसको मर्ज कर लेते हैं, तो आप पतले भी लगते हैं, आप सिमटे हुए भी लगते हैं, और आप बहुत स्टाइलिश भी लग रहे होते हैं. साड़ियों को दे लीजिए ना, साड़ियाँ एक ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग पहना करती थी, जो वो लगता था कि बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए ही साड़ियाँ बनी हैं. मतलब कि वो कलफ वाली साड़ियाँ, वाइट साड़ियाँ, फूली फूली सी, जिसमें आप कोई कुछ स्टाइल नहीं था उनको बांधने का. लेकिन आज आप देख लीजिए, साड़ी पैंट्स और पता नहीं क्या क्या साड़ियों की फॉर्म्स आ गई हैं, जिसकी मदद से साड़ी पहनने से आप बहुत स्मार्ट, बहुत स्लीक, बहुत स्टाइलिश भी लग सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैरी कर रहे हैं, पुराने और नई चीज़ को मिलाने से. उसी तरह मैं बच्चों की परवरिश की भी बात करूँगी. बहुत सारे पुराने माँ बाप समझते हैं हमने बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश की. नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता जितना आजकल के माँ बाप माहिर हो गए बच्चों को कॉन्फिडेंस देने में. कभी कभार उन्होंने एक्सेस में डांट दिया होता है, एक्सेस में डरा दिया होता है. लेकिन आजकल के माँ बाप ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही डराना बंद कर दें, बिल्कुल ही खौफ खत्म कर दें. मगर अगर आपने मायना रवि रखी है पहले और अब की, सो क्या होता है, आपकी एक औलाद एक अच्छी औलाद की तरह नजर आती है. मेरी अम्मा ने मेरी, मैं बहुत फख्र फील करती हूँ अपनी अम्मा की परवरिश पे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं एक अच्छी बच्ची रही हूँ और एक अच्छी माँ. और मैं अपने, अगर अपने बच्चों की परवरिश की बात करूं, तो मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार मैं पुरानी अम्मी बन जाती हूं और कभी कभार मैं लेटेस्ट अम्मी बन जाती हूं. जहां मुझे एक सख्त माँ बनना होता है, खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, वो भी बन जाती हूं. और कभी मैं ऐसी दोस्त बन जाती हूं जिसको कुछ खुद नहीं पता. अच्छा, तो ये होता है दुनिया में, मेरे बच्चे मुझे बता रहे हो. अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात. सो आपको रूप बदलने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे माओं को, पुरानी और नई चीज़ को अपनाने के लिए. क्योंकि अगर आपको जेनरेशन गैप नज़र आएगा ना, बच्चों को लगेगा ये तो पुरानी है, ये तो पुरानी है, इनकी इनकी बातों में क्या सही होगा. तो बच्चे नहीं आपको हल्का लेते हैं, अगर वो भी थोड़ा सा कहेंगे कि हाँ भाई हमारी अम्मा अपडेटेड है हाँ हाँ हमें पता है क्या होता है, हमें पता है. सो वो वाली चीज़ है. आज भी हमने प्रोग्राम, जब ये, बल्कि मैं मसालों का भी पूछ रही थी सीरियसली, जब आप हाथ के वो हावन दस्ते पे कूट के मसाले जो हैं और कुछ नए
जो नए इंग्रेडिएंट्स जो पहले थे भी नहीं थे उनको मिला ले, ये थाइम वाइम मुझे नहीं लगता पहले थे, हमें तो अब पता चला, बल्कि मुझे बहुत बाद में पता चला, जैसे कि जो ओरिगानो नहीं होता किसी के पास, तो आप अजवाइन को पिज्जा डो के अंदर डाल सकते हैं तो आपको वो ओरिगानो थाइम का अरोमा देता है। और आप जैसे कसूरी मेथी है, अगर आपको उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देना है तो आप उसको हाथ से रगड़े तो उसका जो ऑयल निकलता है वो एकदम आपको किक देता है कि वाह क्या स्मेल है, अरोमा है। तो छोटी छोटी ऐसे नहीं कि हवन दस्ता या सिलबट्टे पे पीसते हैं, लेकिन अभी भी कुछ टोटके ऐसे जो फ्यूजन करके एक तड़का बनते ही हैं, मतलब इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो आप देखें दुनिया में हर चीज में फ्यूजन हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुरानी जो आपकी रूट्स है उसको छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते, आपको दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना है। सो आज भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही होने वाला है, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी फिल्में या ड्रामे या हमारे जो प्रोडक्ट्स थी उनकी एज मॉडल और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अगर उनकी दिमाग तेज है तो उनको याद आएगा कि आज हमारे पास एक ऐसी गेस्ट है जो कुछ सालों पहले आपको फिल्मों में नज़र आया करती थी, बड़े पर्दे पे नज़र आया करती थी, आपने रोड वीडियो से गुजरते हुए, सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, म्यूजिक वीडियोस बोर्ड्स बड़े बड़े ब्रांड्स के होते थे लगे हुए, उसी मतलब ब्रांड के बोर्ड से ही आप रातों रात स्टार बन जाया करते थे। और इनका ताल्लुक उस ज़माने से है जब आप रातों रात स्टार बना करते थे। और हमारे पास साथ में दूसरी जो गेस्ट है वो आजकल के ज़माने की फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है। सो देखा मैंने आज और कल को दोनों को बहुत अच्छे से मिलाया है और आपको प्रॉपर मज़ा कराना है आज के शो पे। कुछ ऐसी बातें पूछेंगे हम उनसे जिसके बारे में आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, मैंने उनको कभी इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन मज़ा करना है आज हमने शो पे हमेशा की तरह। सामिया इस मज़े में तुम्हारा तड़का भी शामिल होगा, तो मुझे बताओ तुम्हारे तड़के में मेन्यू में क्या है। आज हम बना रहे बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी जो कि सैरी से रिलेटेड है, हम फुकाशिया बन के साथ हम बनाएंगे चीज़ स्पेनिश ऑमलेट। फुकाशिया बन बेसिकली वो बन क्या, अंग्रेजी फुकाशिया असल में लोगों को नॉर्मल ब्रेड हो गई, बंस हो गए, हॉट डॉग बंस से उकता जाते हैं। जैसे मैंने कल जो है वो क्रोसेंट्स बंस लिए थे, थोड़ा सा यूनिक होता है और खासतौर पे मर्द और बच्चों को थोड़ा डाइनिंग टेबल पे थोड़ी डिफरेंट चीजें नजर आती है तो वो अट्रैक्ट करती हैं। तो उसके अंदर ऑलिव्स भी होते हैं और टोमेटोज भी होते हैं, प्याज भी होती है और वो पूरी बन इट्स होल मतलब कि वो खुद इटसेल्फ बड़ी हैवी होती है। उसके साथ जो है वो पूरा पालक और मशरूम के साथ ऑमलेट बनाएंगे जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो आप किसी भी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खासा महंगा होता है लेकिन आप घर में बनाएंगे। इसके साथ जो है वो हम बहुत जबरदस्त आज बना रहे पनीर रेशमी हांडी। और अब क्योंकि पहले पनीर रेशमी हांडी से अराउंड 9.99 की या 1000 के अंदर मिलती थी, अब वो स्ट्रेट 2000 से ऊपर की चली गई है। लेकिन जायका तो है ना। अब वो लोग जाते हैं। सबसे ज्यादा फिक्र आज एक बात की है, क्या देखो तुम्हारा जोड़ा तो बहुत प्यार है, तुम पकाओगी कैसे? बस ये जो आस्तीने हैं इसको तुम रबर बैंड से बांधोगी? बिल्कुल मैं करती हूँ, ये सही है, हम क्यों बता रहे हैं सारी बातें हम लोग बाकायदा यूं करते हैं और उस पे फिर हम लोग लगाते हैं और फिर जो भी हमारे हेल्पर्स होते हैं। मैं अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही हूं, जरूर एक शॉट मुझे चाहिए सामिया का जब वो ऐसे हाथ करके पका रही हो। और कल मेरी एक स्लीव्स के अंदर ना वो फ्रिल थी तो वो फ्रिल को मैंने यूं करके दबाया था इतना मजेदार सीन था वो लेकिन ऑब्वियस है कि आप अच्छा मुझे सवाल भी करते ना, आप इतना मेकअप करके तैयार के खाना कैसे पकाती? फिर कब आदत हो गई हम लोगों को? जब तुम्हें घर में पकाती होगी तो तुम्हें उलझन नहीं होती कि मैंने मेकअप क्यों नहीं किया हुआ खाना? नहीं नहीं बल्कि अच्छा लगता है, वैसे भी मैं बहुत हल्का भी यहाँ पे शोज पे करना पड़ता है, डिमांड होती है क्योंकि आपका माशाल्लाह बिल्कुल चेरी शो है तो मुझे तैयार चाहिए, तैयार होता है तो बल्कि बोलते कि तैयार होके आए और ये करें, वैसे यूजली तो बस वो एक ही मेरा पैटर्न लिपस्टिक है। लेकिन मुझे ये रबर बैंड के जो स्लीव्स है मैं तस्वीर खींचूंगी, आपको भी ये वो तस्वीर खिंचवाऊंगी। आज के शो में ना गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की जो शाने सहूर की जो हाँ शाने सहूर एक महीने के लिए शाने सहूर होते सारे महीने के लिए गुड मॉर्निंग वो मजला शो हो गया ना आज का तो तस्वीर वो वाली डलेगी हाथ बंधे में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इसी तरह एंजॉय करने के लिए जैसे कि मैं एंजॉय करती हूँ आपसे मिलकर शाने सहूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शाने सहूर और आज की हमारी मेहमान एक ऐसी मेहमान है जो आपको हैरान कर देंगी क्योंकि बड़े दिनों बाद आपको हमारे शो पे भी और एज मतलब लाइक इंटरव्यू के लिए गेस्ट एज गेस्ट बहुत दिनों बाद नज़र आएंगी। जैसे ही ये इस फील्ड में आई ये आके छा गई,
लेकिन छाने के कुछ अरसे बाद ही जब ये अपनी पीक पे थी तो एकदम कहीं गायब हो गई। अभी कहाँ गायब हुई, कहाँ चली गई, ये सारे सवाल जैसे मेरे दिल में है वैसे आपके भी दिल में है। मगर इन्होंने जितने भी अरसे ये ऑन स्क्रीन नज़र आती रही, इन्होंने क्या क्या किया, ये सब चीज़ें हमने जमा की हैं और आपको दिखाते हैं इनकी दास्तान कि ये क्या 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 चीज़ें स्क्रीन के लिए कर चुकी हैं अब तक। और आप अब तक 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं बोलती आंखों वाली ज़ारा शेख। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक और आपको डब्ल्यूबी बाय हिमानी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। प्लीज आइए बैठिए। कहाँ बैठना चाहेंगे आप? प्लीज जहाँ आप। आई लव योर शो एक्चुअली, हां, सो आई कैन सिट एनीवेयर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू, एब्सोल्युटली फाइन। बहुत शुक्रिया आपका हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और अपने फैंस के लिए टाइम निकालने के लिए। फैंस के लिए टाइम निकालना पड़ता है बिकॉज दीज आर द पीपल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़ा अहम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ारा, मुझे ऐसे याद है कि जब ज़ारा का सबसे पहले बोर्ड लगा था एक टैले, आई थिंक मैं नाम नहीं ओके मतलब लाइक एक कंपनी थी फ़ोन से कनेक्टेड, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, वो बोर्ड आपका लगा था तो धूम मच गई थी कि कौन लड़की है एकदम, मतलब लाइक आई थिंक सो वो पहला आपका बोर्ड था या उससे पहले आप रैम पे मॉडलिंग कर रही थी ज़ारा? नहीं, उससे पहले मैं स्कूल की तरफ से कुछ चीज़ें कर रही थी। अच्छा, फिर स्कूल की तरफ से, यानी कि लाइक मतलब मैंने जो अपनी फर्स्ट कैंपेन की थी शू की, वो मैं स्कूल से मैंने शुरू की थी। अच्छा अच्छा, जब आप स्कूल में एड बन रही थी, कोई कैंपेन बन रही थी, एंड दे टुक अबाउट लाइक 16-15 आई थिंक 11-12 चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। अच्छा, एंड उसके बाद दे पुट मी ऑन द टॉप और मैं उसमें भी मेन लीड थी। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्चुअली अपीयरेंस इन मतलब इतनी इनोसेंट अभी भी हूँ, लेकिन ये भूल गई थी कि नाम चेंज करने से चेहरा नहीं बदल जाता, तो दैट वाज अ मिस्टेक आई मेड एक्चुअली व्हेन आई, जब मैं ये तेरे प्यार में कर रही थी। तो बस बचपना था, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, टाइम लगा सीखने में, बट थैंक गॉड इट्स बीन वंडरफुल जर्नी। तो ज़ारा का नाम क्या था पहले? यही नाम था। तो नाम चेंज क्या किया था? नहीं, नाम मतलब रियल नेम तो मेरा सादिया है ना, वही मैं पूछ रही हूं। एग्जैक्टली, सो ये मेरा ब्रांड नेम है। अच्छा, इट्स लाइक माय शोबिज नेम। तो जब सादिया जो थी, सादिया ने सोचा मतलब जब सादिया जो है ज़ारा बनी, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज था या फिर सादिया का ड्रीम था मैं ज़ारा बनूंगी? नहीं, शेख तो मैं हूँ। हाँ, वो तो मैं हूँ। नहीं नहीं, सादिया का ये ड्रीम था कि मुझे ज़ारा शेख बनना है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई हैड नो, कोइंसिडेंटली हो गया ये, आई हैड नो सच ड्रीम एक्चुअली, बट जब जो भी हुआ वो बहुत सडनली और एक्सीडेंटली हुआ, बट आई हैड टू एक्सेप्ट इट, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। अच्छा, कैसे घर में परमिशन वगैरह कैसे मिली? लॉन्ग स्टोरी। हाँ, लॉन्ग स्टोरी। तो आपके पास बहुत टाइम है, आप सुना सकती हैं, कोई मसला नहीं। इन शॉर्ट, हाँ, मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, बट लेटर ऑन घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। अबू ने सख्ती की थी कि नहीं? उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं, हाँ नहीं, अब वो नहीं है। अच्छा, अब वो नहीं है, तो वो फिर बस थोड़ी सी थोड़ा सा फड्डा करके नहीं, एक्चुअली ही वांटेड मी टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, वो चाहते थे मैं जज की जो पोस्ट है उस पर लगूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, एक और डिग्री लेना ज़रूरी है, वो मेरी कंप्लीट नहीं थी। नहीं हो सका। नहीं हो सका। कितने बहन भाई हैं ज़ारा के? 6 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। और ज़ारा का नंबर? हाफ ऑफ माय फैमिली एक्चुअली इज नॉट हियर, दे लिव इन स्वीडन एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑल स्वीडिश, सो सिर्फ चंद एक लोग पाकिस्तान में रह गए। अच्छा, आई एम वन ऑफ देम। तो बाकी सब स्वीडन में होते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज़ारा जब शो बिजनेस में आई, उसके बाद एक के बाद एक माशाल्लाह से, देखें आपको बहुत जल्दी आपने नाम कमा लिया था, आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी जितने आम लोग अपनी स्ट्रगल सुनाते हैं और बताते हैं?
हर चीज ट्रे में रख के मिलती रही, बाकी ट्रे में मिली है। हाँ, मतलब कितने अरसे तक आपने मॉडलिंग की? फिल्म में एकदम आपको ऑफर हुई? लोगों को लगा कि ये कोई अप्रोच है इसकी या कोई इसका कोई है ऐसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मैंने ऑडिशन दिया था और उन्हें एक ऐसी लड़की रिक्वायर्ड थी फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड दे एक्सेप्टेड मी एज ए परफॉर्मर। इनको लगा कि शायद शी कैन डू इट। हाँ, सो बस वही एक दैट वॉज अ लकी डे फॉर मी। हाँ, बट ऑनेस्टली आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। ज़ारा, जैसे मुझे याद पड़ता है कि वो उस ज़माने में एकदम मॉडर्न अप्रोच आपकी आई थी, आपका मेकअप, आपका पूरा मेकओवर, ये सारी चीज़ें। हवर रियाज थे उस वक्त जिन्होंने ये फोटोशूट किया था। ही इज़ अ ग्रेट गाय। उन्होंने आपका मेकअप वगैरह सब। हाँ, तो उसकी आई यूज़ टू कॉल हिम ब्रो एक्चुअली, मेरे बड़े फैमिली टर्म्स थे उनके साथ। जी जी। And he's been wonderful. हाँ, he did a good job और बड़ी he's been really supportive actually. तो ज़ारा, उससे पहले जैसे खावर ने जिस तरह आपको देखा और जिस तरह आपका मेकओवर वगैरह किया, तो ज़ारा कुछ चेंज थी सादिया, जब वो सादिया थी तो कुछ चेंज थी, कुछ हेयर कट हुआ, मेकअप, ये वो सारी चीजों में कुछ चेंज है? नहीं, या पहले से? स्कूल के बच्चे तो घूम नहीं होते। इनफैक्ट मेरी इतनी शाइनेस की इतनी मतलब प्रॉब्लम रही है एवरी टाइम। आई एम लाइक मुझे नहीं करना, मुझे शर्म आ रही है। ओह नो, यू हैव टू डू इट, ओके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। यू नो होता है शुरू में आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है, आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, सो वो बस चीज़ों ने डिस्टर्ब किया मुझे, बिकॉज आप नेचर वाइज आपको एक तो आप जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। एंड लेट द पीपल एक्सेप्ट यू एक्चुअली द वे यू आर। यस, that is a good thing. Yeah, never change yourself and never try to change other people as well. Try to accept them the way they are. Acha, main agar Zara se puchti hu ki Zara ki personality kaisi thi aur kaisi kind of little fake? Ha, yeah, a little bit. Kyun? Matlab mujhe to nahi lagti aisi aap, matlab जो आप हैं वो है नहीं क्या इसका? हाँ, ऐसा तो है। हाँ, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, सामने हूँ, whether I'm good or bad, whether you accept it or, but ये कि लोगों का बहुत प्यार मिला है, हमेशा लोगों की सपोर्ट रही है। और आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल हु हैज बीन ऑलवेज सपोर्टिव एंड दे बीन लविंग माय वर्क। किसने ज्यादा की बहुत सपोर्ट किसने की, हेल्प किसने की इंडस्ट्री में? मेरे फैंस ने, इंडस्ट्री में से नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री में मेरे फैंस। मैं ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के साथ है, उसकी पाक हस्तियों का सदका, मेरे पेरेंट्स की दुआएं, एंड इन पाकिजा चीज़ों के बाद मेरे फैंस हैं। अच्छा, मैं मतलब अगर हम आपके फ्लैशबैक में जाके आपका करियर देखें। हाँ, और इंडस्ट्री की बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे अच्छे बुरे वक्त से गुजरना पड़ा है, बिकॉज मैं इतनी यूज्ड टू नहीं थी इंडस्ट्री की, बट somehow somewhere कुछ लोगों ने आपको टफ टाइम भी दिया। नहीं, टफ नहीं, वर्स्ट टाइम दिया एक्चुअली। सही कहें। एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। ट्रोल करते थे क्योंकि आपकी कोई फैमिली नहीं थी। एग्जैक्टली, आपको पता नहीं था, वो यंग थी आप। एक उनको ये था कि शायद शी इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज फ्रॉम समवेयर एल्स, शी इज लाइक फ्रॉम इंडिया समथिंग, कहीं और से है। जबकि आई फील माई सेल्फ बीइंग पाकिस्तानी, आई लव पाकिस्तान। मैं हमेशा सबसे ज्यादा टफ टाइम किसने दिया ज़ारा? जिसने कभी बहुत अच्छा किया होता है वो भी याद रहता है, और जिसने कभी बहुत बुरा किया होता है ना ज़ारा, तो वो भी बड़ा दिल में ना एक बैठ जाता है कि यार ये मेरे साथ ना अच्छा नहीं किया, मेरा दिल दुखाया, या मतलब होगा ना। देखिए, ये तो मारा मारी कॉम्पिटिशन तो लगा रहता है, ये तो कभी खत्म नहीं होती चीज़, आज भी है। बस और अगर आप चलाक होते हैं तो निकल जाते हैं उससे, अगर आप मासूम होते हैं फिर फंस जाते। बस मैं वही मासूम बच्चियों में से बची थी। बट क्या, इट्स बीन वंडरफुल। देखिए, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ में रहता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको स्टार्टिंग पीरियड तो आपका लर्निंग में गुजर जाता है। यू बिकमिंग डॉक्टर, लॉयर, एनीथिंग एल्स, तो ये तो होता है। लेकिन ज़ारा, मैंने नोट किया आपका साथ अल्लाह ताला ने बहुत दिया। आपको जो फिल्में मिली उसमें आप ज़्यादातर सोलो हीरोइन ही थी। जी, आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। एंड वंस अगेन, ये क्रेडिट मैं अपने फैंस को देना चाहूँगी। तो कभी किसी ने आपसे फिल्म छीनी कुछ इस तरह करके, टेक्निक्स करके? वो मुझे पता नहीं है, शायद छीनी होगी किसी ने, मेरे में नहीं है, बट व्हाट आई बिलीव। लेकिन क्या ट्रोल करते थे आपको, बीच में बैठे हुए होते थे या कुछ ऐसी बातें पीछे बैक बाइटिंग करते थे? एवरी पर्सन जो आपके साथ हाथ मिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता।
दिस इज शोबिज़. तो आपको समझ थी उस वक्त इतनी कि ये मेरा दोस्त है जो मुझे अच्छे से मिल रहा है, आपको समझ थी? अगर मुझे इतनी समझ होती तो मैं बहुत सी स्टूपिड मिस्टेक्स ना करती. बहुत से ऐसे डिसीजन. आपको क्या लगता है कि आपने क्या नहीं ना थे, कुछ नहीं, बस देखिए पता है आपके बताने से बहुत सारे जो नए आने वाले लड़कियां वो सीखेंगी. देखिए सीखने का अमल उनका अपना है, हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा होता है. मेरी किस्मत शायद ऐसी थी तो बट ये कि आई डिड एंजॉय वर्किंग विद एवरीवन एंड इट्स बीइंग वंडरफुल वंस अगेन. एंड अच्छा बुरा एक्सपीरियंस ठीक है, वो एक लर्निंग प्रोसेस है एंड आई लर्न, थैंक गॉड, बट स्टिल आई एम लर्निंग. हाँ ये तो है. तो इतने कितने साल का गैप लिया ज़ारा ने, कितने साल का गैप लिया, यानी कि गायब मतलब पहले जब आप पीक पे थी एकदम और ज़ारा एकदम कहीं गायब हो गई, फिर उसके बाद कितने साल हुए कि आप ज़ारा वापस आई है रक्से बिस्मिल? हाँ लास्ट मेरा प्रोजेक्ट ऑन एंड ऑफ काम करती रही. अच्छा ऐसी बात नहीं है. हाँ बट ये है कि ज़्यादातर मैंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा अपना म्यूज़िक का भी एक सिलसिला चल रहा है. आप अच्छा गाना भी गाती हैं? हाँ मैं अभी थोड़ी देर में शायद मेंशन करूँ. हाँ गाना गाती भी हूँ और म्यूज़िक का जो है वो मैं कर रही हूँ. अच्छा अपने सैंपल्स पे काम कर रही हूँ एंड होपफुली किसी ना किसी अच्छी चीज़ के साथ आई वांट टू कम अप इन द मार्केट. हाँ तो लेट्स सी, थिंग्स विल स्टिल टेक टाइम. मैंने सुना है कि कोई एक्सीडेंट हुआ था बीच में जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था. वो मेरी शोल्डर की. अच्छा कोई बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ था? बस इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस. ताकि हमें पता चले ना कि मतलब इवन रिमेम्बर दैट मोमेंट, बड़ा वर्स्ट था मोमेंट था. और उस वक्त जब आप काम कर रही थी तब की बात है, टोल्ड मी नॉट टू हैवी, मतलब आपने कोई हैवी वेट नहीं उठाना ये वो समथिंग लाइक दैट. सो तो फिर आप इतनी दुबली पतली कैसे हैं? मुझे तो लगा एक्सरसाइज ये वो. नहीं नहीं वो बस ऐसे ही है, मैं जरा गॉड गिफ्टेड. हाँ गॉड गिफ्टेड. अच्छा मतलब सबके जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं उनके स्कैंडल्स भी बनते हैं और जाहिर है जब इतनी यंग लड़की होती है मासूम होती है तो बहुत सारे लोगों की बातों में भी आ जाती है. उस जमाने में ये हुआ था कि एक स्कैंडल आया था ज़ारा का मिकाल के साथ, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई बात. ये मतलब इस तरह की चीज़ें सुनी गई थी. तो ज़ारा जो है वो बातों में आई या वो होता है ना जैसे आपने कहा मुझसे मिस्टेक्स हुई, तो बहुत सारी लड़कियां अकलमंद होती हैं वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर पाती हैं, उनको थोड़ा पता होता है जो मासूम होते हैं उनसे गड़बड़े. लेट द पास्ट गो. अच्छा उसके बारे में बात नहीं करनी? आई जस्ट डोंट फील लाइक टू टॉक अबाउट इट, आई एम सॉरी. हां कोई बात. आई वांट टू मूव ऑन, आई लाइक मूविंग ऑन इन लाइफ. हां अच्छा है बुरा है मेरी लाइफ है. I have rights to choose good and bad things for me. हाँ, बिल्कुल. So I don't wanna go into the past. So ज़िंदगी में फिर ज़ारा के कोई और नहीं आया इसके बाद? पता नहीं आया हो शायद. अच्छा. क्योंकि फिर ज़ारा का कुछ नहीं पता चला, इतने छुप छुपा के आया, कुछ हमें नहीं पता. ये इतनी खूबसूरत लड़की जो है ये ऐसा तो नहीं हो सकता. नहीं मेरे आगे खूबसूरत लड़की बैठी हुई है. नहीं नहीं ये जो खूबसूरत लड़की है ऐसा तो नहीं हो सकता जिसके पीछे इतने सारे लोग दीवाने हो कि सिंगल तो नहीं हो सकती. तो कोई जिंदगी में जाहिर है. Well, I don't know, but in future, I will try to give you surprise. Not वाकई बहुत बड़ा नहीं होगा बट इट्स जस्ट लाइक. अच्छा आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ये फ्यूचर कुछ घंटे बाद होगा, कुछ दिन बाद होगा या फिर ये अगले प्रोग्राम में होगा, ये क्या एक्सपेक्ट करें हम लोग? कुछ भी नहीं. आई एम नॉट, डोंट एक्सपेक्ट बेबी, आई एम नॉट मैरिड येट, बट या. नहीं नहीं मैं कह रही हूं क्या एक्सपेक्ट करें कि वो सरप्राइज जो है वो कब आएगा? पता नहीं अभी मुझे खुद नहीं पता है. हां कुछ चीजें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देनी चाहिए. हां Because, चले हम ये बात करते हैं ना, हम लाइफ की ये सीरियस जब आप कमिटमेंट्स लेते हैं इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक. आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों का जो है वो इंतखाब करना पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं यही चाहती हूँ कि बस जो भी हो अच्छा हो. हाँ. और अच्छा ही रहे. अच्छा ज़ारा को सबसे शिकवे हैं कोई एक नहीं जो इनका दोस्त रहा हो, कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई फैशन डिज़ाइनर? बनाती नहीं बनाती किसी से भी दोस्ती नहीं हुई शो बिजनेस में है, लेकिन मैं शायद मिलती भी नहीं हूँ. अच्छा सोशल भी नहीं है किसी दावतों में जाना, किसी की सालगिरह हो, शादी हो या इवेंट्स वगैरह पे मैं कभी कभी जाती हूँ, बट नॉट मच, ज्यादा नहीं. नो. और अभी आजकल लाहौर में ही मुकीम है या फैमिली के साथ? आई एम बेस्ड ऑन लाहौर. अच्छा आई एम फ्रॉम लाहौर बेस्ड. तो अब लाहौरी लाहौरी लाहौरी. तो ज़ारा ने जो है वो अब प्रॉपर सोच लिया कि वो अब अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स चूज के काम करेंगी, प्रॉपर आएंगी? करता है प्रोजेक्ट क्या है कैसा है वो? और मेरे लोगों को बड़े गिले रहते हैं ज़ारा है
उसका तो एटीट्यूड इशू है, उसने तो काम करना क्यों? मुझे तो आप मिली है तो मुझे कैसा लगा है कि इतना ऐसी मेरे हवाले से बड़े गलत किस्म के कुछ रेमर्स फैलाए गए हैं इंडस्ट्री में, जबकि मैं एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आई वॉजेंट वेल एक्चुअली, मैंने रिकवर किया एंड देन आई केम बैक टू शो बिज एक्चुअली. और ये मैंने कहीं पे इस हवाले से कोई बात भी नहीं की कि देखो देखो मेरे साथ ये हो गया. वो जो होता है ना लड़कियाँ, वो चोट भी लग जाती है तो वो आके ओ माय गॉड तो वो कैमरे से हर दिखा. आई डिड नॉट डू एनीथिंग, तो बस ऐसे ही था कुछ. अच्छा, तो बट ये कि र्यूमर्स मेरे हवाले से अक्सर लोग फैलाते रहते हैं और जिसका नतीजा ये कि वो एक बड़ा गलत सा इम्प्रेशन बन जाता है. हाँ. रेपुटेशन बड़ी अजीब सी हो जाती है और फिर वो सब वैसे ही समझने लगते. मुझे लगता है आप शाय हैं ना, इंट्रोवर्ट हैं थोड़ी के. आई डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी और स्कैंडल. कोशिश तो करती हूँ ना बनूं, बाकी अल्लाह वारिस है. हाँ वही तो, उस जमाने में जो है वो इतना सोशल मीडिया नहीं था. हाँ. वो तो थोड़े थोड़े बहुत आपके फैंस जो थे जो आपसे प्यार करते थे उन्होंने भी कपल जोड़ देते हैं ना कभी कभार के आप दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं एज मॉडलिंग. हाँ. करियर में तो नाम जोड़ देते हैं एक साथ अच्छे लग रहे हैं. आजकल तो सोशल मीडिया, आजकल तो कोई चीज छुप ही नहीं सकती. फायर फायर इज जस्ट लाइक अ फायर एंड ऑनेस्टली फॉर मी इज जस्ट लाइक अ हेडेक. आपका खमाज बहुत हिट हुआ फिल्म में, एक तरफ खमाज जो वीडियो, इतना वीडियो कोई और नहीं आई गेस हिट हुआ होगा जितना खमाज हिट हुआ था. दैट वाज अ क्लासिक पीस है ना. आई लव दैट. आई लव दैट. वो एक यादगार है, जब भी चलता है तो वो ऐसा बनाया हुआ है कि अब भी देखो तो मजा आता है. हालांकि कितने साल हो गए लेकिन वो जब भी, और आप क्या उसमें लगी हैं. जबरदस्त. सो खमाज वाली ज़ारा शेख कहिए, सलाखे वाली ज़ारा शेख कहिए, जाज़ वाली ज़ारा शेख कहिए, जाज़ ही तो ना मैं बोल देती हूँ, या आज शाने सहूर वाली ज़ारा शेख कहिए. आइए इनसे बातें करते एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए. वेलकम वेलकम बैक. आप देख रहे हैं शाने सहूर और मेरे पास आज वही वाली ज़ारा शेख मौजूद है. बिल्कुल आप सही समझे, खमाज वाली, सलाखे वाली. आपको क्या कहते हैं वैसे रोड पे जब मिलते हैं, अरे ये तो वो खमाज वाली आ गई, ये तो वो जैज वाली आ गई. जब आपको मिलते हैं कभी, आप बाजार वगैरह जाती हैं कभी शॉपिंग करने? पहले तो वो देख के कहते हैं मैम आर यू रियली ज़ारा शेख. हाँ. ये आपकी शक्ल मिलती है. हाँ. तो मैं चुप हो जाती हूँ. हाँ. मेरे पास कुछ कहने को होता नहीं. मैंने कहा नहीं, मेरी शक्ल मिलती है मैं कहाँ हो सकती हूँ ज़ारा शेख, वो तो स्टार है बहुत बड़ी. तो बट होता है कि हाँ हो जाता है. अच्छा ज़ारा शेख जब मुझे देखती हूँ उनको एक चीज याद आती है, हाथ से हाथ क्या, एक ही चीज याद आती है, गाना जो था ना. सो नाइस टू देम एक्चुअली, दे स्टिल रिमेंबर दैट सॉन्ग एक्चुअली. आई लव दैट सॉन्ग, दैट्स अ ब्यूटीफुल. ज़ारा जब सादिया थी और सादिया से जब ज़ारा बनी, तो सादिया और ज़ारा की पर्सनालिटीज में डिफरेंस आया, कुछ ऐसा हुआ? देखिए पॉपुलैरिटी छोटी उम्र में मिल जाती है तो थोड़ा सा कभी कभी माथे पे आ जाती है ना आंखें. हाँ वाओ. मतलब थोड़ा सा तो आ गया होगा कि ओह माय गॉड आई एम ज़ारा शेख. तो कुछ ऐसा हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ. मैं तो बल्कि छुपती फिर रही होती. नो आई एम नॉट ज़ारा शेख. हाँ ऐसा होता है मेरे साथ. शाये है ना आप कह रही थी? हाँ शाये भी हूँ और इसके अलावा भी शो ऑफ करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता. अगर कोई पहचान ले ऑलरेडी फिर तो ठीक है, देन आई एम फाइन. अच्छा, बट इफ नोबडी रिकॉग्नाइजेस मी देन आई एम ओके विद दैट एज़ वेल. तो मैं बैलेंस्ड उसमें रहती हूँ. अच्छा, अपने घर के काम वगैरह सारी खुद करती हैं या कभी बाजार जाना ये वो किसी और को भेजती हैं कि भाई ये लेकर? मेट को बोलती हूँ, चीखती हूँ यहाँ से कर दो साहब. नहीं जैसे बाहर का कुछ सामान जरूरी लाना जो मेज वगैरह. हाँ कभी कभी. फिर वो आप चली जाती हैं लेने के लिए? हाँ, इंटरेस्ट है घर की चीजों में एज औरत जो. आई लाइक क्लीन क्लीनलीनेस, आई लाइक पीसफुल एटमॉस्फेयर. मेरे घर में कोई ऊंची आवाज में बात भी करता है तो ऐसे मैं लड़ने लगी हूँ कि प्लीज यार ऊंची आवाज में मत बोलो. अच्छा, समथिंग लाइक दैट. धीमी धीमी चीजें पसंद है. हाँ पीसफुल पीसफुल, पीस इज रियली इम्पोर्टेंट इन लाइफ. तो कितने साल तक ज़ारा जो है उन्होंने फिल्मों में काम किया, फिर उसके बाद ब्रेक लिया? जैसे आप आई हैं 2000 में, आई थी 2001 में, 2001 में एंट्री आपकी हुई थी. तो कितने अर्से तक सारा ने फिल्मों में काम किया, फिर उसके बाद ब्रेक ली? और जल्दी 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 बहुत सारी ब्रेक तो मैंने कभी नहीं ली. ली थी ज़ारा थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए तो वो थी. ब्रेक नहीं मैंने कभी ली, प्रोजेक्ट्स नहीं मैं कर रही थी. वजह क्या? क्यों नहीं आ रहा था? वही तो हुई ना ब्रेक.
आपने मिस नहीं किया यार, जो जो स्क्रीन पे आ रहा होता है उसको तो एक लत लग जाती है, एक एडिक्शन होती है ये. नहीं मुझे नहीं, मैं बिल्कुल एडिक्ट नहीं होना चाहती हूँ फेम एंड ऑल. नहीं मैं आई वांट टू स्टे स्टिल हम्बल. आई वांट टू लिव माय लाइफ लाइक अ रेगुलर पर्सन. और मैं किसी किस्म का कोई बोझ कैरी नहीं करना चाहती हूँ अपने ऊपर. हर वक्त एक टोकरा लेके फिरती रहूँगी. जी मैं सारा शेख, आई एम सारा शेख, बट अपने काम के साथ. अच्छा, आप मुझे एडमायर कर सकते हैं. सादिया से जब ज़ारा बनी तो ज़ारा तो बेबी बन गई. बेबी जूस चाहिए, बेबी ये तो जो ये सब बेबी बेबी जब हो रहा था, छतरी लेके आ रहे हैं. आई हेट दैट. ओ माय गॉड, ज़ारा को नहीं पसंद थी ये चीजें, फिल्मी चीजें थी. नहीं मेरे साथ हुई है. अच्छा, Zara baby, do you want anything? Oh hell no, I don't want anything. Please don't call me baby. I'm not your baby. Oh my god, मतलब baby कहने के लिए baby कहने वाला जो है वो भी तो उस position का हो कि when someone is calling you oh baby, I mean you should be on that level. अच्छा हमारा जो ये गाना But if someone is like oh baby. Oh, so why you're calling me baby? Should I call you baby as well? Because we are same. अच्छा मुझे एक बात बताएं, उस जमाने में तो ये था कि लाइक मुल्क से भी बहुत ऑफर आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने जाके वहाँ पे भी काम भी किया, तो ज़ारा का कमाज जो था तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली देखा गया. तो फिर ज़ारा को भी ऑफर आई, मतलब लाइक दूसरी ममालिक से काम के लिए. बहुत. तो फिर ज़ारा ने कंसिडर नहीं किया. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, इट वॉज नेवर माई ड्रीम. बॉलीवुड वॉज नेवर माई ड्रीम एक्चुअली. इसमें कोई शक नहीं है दैट बॉलीवुड हैज़ टैलेंट. बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, किया है उनके तो आपको पता है दुनिया में उनका माना जाता है. लेकिन मेरा कभी ड्रीम नहीं था. अच्छा, टू बिकम ए बॉलीवुड एक्ट्रेस. मैं चाहती तो बहुत. आपका ड्रीम क्या था वैसे? मेरा ड्रीम जो था वो बड़ा वो ड्रीम ही था बस. क्या था? और आज भी वो ड्रीम ही है. जैसे समथिंग आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन माय लाइफ. डिफरेंट क्या? कुछ भी हो सकता है. जैसे क्या? समथिंग आई वांट टू बी कॉल्ड क्रिएटिव पर्सन. अच्छा, मैं कैमरे के पीछे जाना चाहती हूं. पेंटिंग्स भी करती रही हूं, मैं स्पोर्ट्स में भी रह चुकी हूं. कौन सा? आई वाज अ गुड स्टूडेंट एज वेल. उसके अलावा फिर मॉडलिंग में आई. मॉडलिंग में सबने देखा मैंने क्या किया. फिर माशाल्लाह फिल्म की. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं जितना उसका शुक्र अदा करूं अपने अल्लाह ताला का. रमज़ान का महीना है, बहुत मुबारक महीना है. हम लोग बड़े गुनहगार लोग हैं. पहले तो मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो कहते हैं आई एम परफेक्ट. नो, यू आर नॉट परफेक्ट, आई एम सॉरी. आप इंसान हैं, आप गलती करेंगे ही करेंगे. तो अगर मैं ज़ारा से पूछती हूँ कि अगर तुम्हें कोई अपनी तीन गलतियाँ याद हैं ज़ारा, तो वो क्या गलतियाँ कि मैंने मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं? एक दफ़ा मैंने अपनी मदर से ऊंची आवाज़ में बात की थी. सबसे बड़ी गलती मेरी वो ये है. मुझे दुनिया की परवाह नहीं है. बट मुझे मेरे जो वालदैन की लोग इज्जत करते हैं वही दुनिया में इज्जत पाते. इफ़ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट एनी बॉडीज पेरेंट, द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. एक गलती तो हो गई अम्मा से, एक दफा उसके बाद मैंने तौबा कर ली. बिकॉज पेरेंट्स आर रियली, ये बहुत एक सेंसिटिव रिश्ता है. और इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. इनफैक्ट आप अल्लाह ताला को नाराज करते हैं. ये दूसरी गलती क्या हुई ज़ारा? दूसरी गलती क्या तुम्हें लगता है मैंने ये दूसरी बड़ी गलती कर दी? बस कुछ नहीं, मैं कर दी नहीं, मैं आज भी करती हूँ. एक्चुअली सम टाइम आई चूज रॉन्ग पीपल सम टाइम. कभी कभी आपको पता नहीं चल रहा होता है कि वेन यू चूज पीपल इन योर लाइफ, चाहे वो दोस्त ही हैं अच्छे. बट ये है कि थोड़ा सोच समझ के आपको ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए जो आगे जाके आपकी फ्यूचर के लिए अच्छे. तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि शायद मैं बहुत नाइस हूँ कभी कभी, तो लोग एडवांटेजेस कभी कभार धुर बना लेते हैं. तो कहते हैं धुर बनाना, कभी धुर बना लेते हैं. ऐसा है, जबकि मैं देखती हूँ अक्सर लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं एटीट्यूड शो. मैं नहीं, आई एम हम्बल पर्सन. आई एम अ वेरी नाइस पर्सन. अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हैं मैं आपकी अच्छी दोस्त बन के रहूँगी. बट इफ़ आई डोंट नो यू, आई एम गॉन. यू नेवर गोना फाइंड मी एनीवेयर. अच्छा, दैट्स हाउ आई मिलेंगी नहीं आप अगर आप किसी को जानते हैं. अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि आप मल्टीटास्किंग हैं, आपने पेंटिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी की, गाने की तरफ भी जा रही हैं,
और आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रही हैं, म्यूजिक, तो मेरे पास जो मेरी अगली गेस्ट हैं, मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि वो आपको अलग अलग रूप में नज़र आ चुकी हैं. अगर आप मॉडलिंग की बात करें, अगर आप एक्ट्रेस होने की बात करें, फिल्म एक्ट्रेस होने की बात करें, थिएटर की बात करें, अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ कनेक्टेड है. जी आज की दुनिया का, आज की शोबिज़ का नया नाम, बल्कि आप तो नया नहीं है, अब तो काफ़ी सीनियर हो चुकी हैं. आइए वेलकम करते हैं एक प्यारी सी हमारी गेस्ट, जिनके काम के बाद मैं उनका नाम बताऊंगी आपको. आइए चल के देखते हैं उनका काम. आपका शुमार पाकिस्तान की आला तालीम याफ्ता अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने थिएटर में अदाकारी करके अपने करियर का आगाज किया था. सबको बोलूंगी कि मेरा शोहर निकाह नामा फाड़ के भाग रहे. अगर मैंने टीपू का नाम ना लिखा होता ना खत में, तो घर चली जाती मैं. हॉरर फिल्म स्याह से बड़े पर्दे पर एंट्री दी और ये के बाद दीगरे आपको दीगर मशहूर फिल्म्स में देखा जाने लगा, जिनमें जानान, दोबारा फिर से, अल्लाह यार, द लेजेंड ऑफ मारखोर, पर्ची और हीर मांझा जैसे नाम शामिल हैं. आप चंद फिल्म्स को प्रोड्यूस भी कर चुकी हैं. आपके करियर में मशहूर फिल्म्स के साथ साथ कई ड्रामाज में भी अदाकारी का सहरा जाता है, जिनमें मौसम, दूसरी बीवी, दियारे दिल, मेरे जीवन साथी, दिले बेकरार, सनम, बागी, डॉली डार्लिंग और सरेराह जैसे मशहूर ड्रामास शामिल हैं. आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड हरीम. हरीम सानी सब्जी. अस्सलाम वालेकुम. मुबारक और डब्ल्यू बी बाय हमानी की तरफ से आपके तोहफा मुबारक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? रमजान मुबारक. रमजान मुबारक. वेरी नाइस. सो नाइस. मैंने नाइस टू सी यू. लेकिन हाँ, मेरे बहुत दफा हो चुका है मेरे साथ ऐसे कि वो क्या कहते हैं, कोई कहीं जिक्र हो रहा है कि हरीम 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 जी. हरीम कैसी हैं आप? ठीक ठाक है. आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एज़ यूज़ुअल इट्स अ प्लेजर. ये वो प्रोग्राम है जहाँ पे मैं सुकून से बैठ के इत्मीनान से गप लगा सकती हूँ. और हर साल हम आपको याद कर रहे होते हैं, या तो ईद हो या शान सहूर, तो हरीम के बगैर अधूरा है वो. अरे थैंक यू सो मच. आपको पता है मुझे आपके साथ इंटरव्यूज करने में बहुत मजा आता है. इट्स अ लॉट ऑफ फन. हां बिल्कुल. बड़ी कैंडिड कन्वर्सेशन होती है. इट्स फन. और मतलब हमेशा हरीम से मिलके बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है. कहते हैं ना, इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो इनसे जो है ना हार्ड वर्क, स्ट्रगल कैसे करनी है, ये वो, ये आदमी और औरत सब कुछ है इसके अंदर. अल्लाह तौबा तोड़ने में. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन एक्चुअली. आई थिंक वी हैव डन. आप लोगों की मुलाकात है पहले? बिल्कुल. इनफैक्ट ज़ारा तो आई हैव बीन अ फैन. और ज़ारा को भी एक्चुअली हमने बड़ा लड़ झगड़ के वी गॉट हर ऑन बोर्ड फॉर हीर मांझा मूवी. आई वाज को प्रोड्यूसिंग. उसमें हमें गाना कर रहे थे. एक मेहंदी का गाना था एंड वी वांटेड समबडी जो जो बहुत लॉलीवुड की जो प्रॉपर जो फिल्म हीरोइंस रही है ना, लाइक वी वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू देम. एंड डेफिनेटली ज़ारा का नाम पॉप्ड अप देयर एंड वी वर लाइक फॉर श्योर 100% एंड इट्स अ प्लेजर. शी इज अ वंडरफुल पर्सन अनडाउटेडली एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर. आप यकीन करें, सेट पे शी वॉज वर्किंग एज ए प्रोड्यूसर व्हेन शी केम टू मी एंड आस्क्ड ज़ारा डू यू वांट एनीथिंग एंड आई वाज लाइक वाओ, लुक एट हर. आई मीन दैट्स हाउ वी ऑल शुड बी एक्चुअली, हेल्पिंग ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर. बिल्कुल. एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू. कीप गोइंग. यू रॉकिंग ऑलरेडी. थैंक यू सो मच. एंड लुकिंग वंडरफुल बाय द वे. थैंक यू. विद माय शाउट आउट टू माय मेकअप आर्टिस्ट्स एंड डिजाइनर्स. अच्छा हरीम, मैंने अभी ज़ारा से भी पूछ रही थी, ज़ारा ने बताया कि ये कैसे इंडस्ट्री में आई. तो क्या हरीम, अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कैसे आई इंडस्ट्री में, क्या तुम्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑडिशंस देने पड़े, या तुम्हारे लिए भी ये लकी रहा कि मैंने जी अच्छा थिएटर किया, मैं वहीं से पिक हो गई? मेरे लिए
मैंने जब सोचा था कि मैं फाइनली जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार मैंने एक्टिंग ही करनी है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने थिएटर किया था. और उसके बाद फिर मैंने ना कुछ आगे देखा ना कुछ पीछे देखा, ना मैंने देखा कि कुछ स्ट्रगल होगा या नहीं होगा. मैंने कहा अल्लाह का नाम, काम किए जाओ, नसीब काम ना अल्लाह का नसीब है, जो उसने लिखा है आपके लिए वो चाहे पहाड़ टूट जाए, जमीन फट जाए, कोई जो मर्जी कर ले, वो आपके पास आना ही आना है. तो मतलब लाइक तुम्हें मजा आता था थिएटर करने में? बहुत. थिएटर से ही शुरुआत हुई? बहुत. मुझे अच्छा डॉक्टर अम्मा अब्बा की बेटी और निकल गई ड्रामेबाजी करने. तो कोई बहस चल रही होती है तो मैं कोई ऐसे बीच में कोई चुटकुला छोड़ देती हूँ. तो वो कहते हैं कि ये देखो ये बोलिए ना एक्टर बोलिए, तो मैं कहती हूँ मेरी बात से ना बड़े गौर से आप दोनों, ठीक है, ये आप लोगों के जीन्स है मेरे. शी इज लाइक दैट एक्चुअली. सेट पे भी मैं बिल्कुल, इसने मतलब मुझे बोर नहीं होने दिया. एंड थोड़ा सा भी मुझे वो होता था इफ आई एम फीलिंग टायर्ड, जरा कुछ खा ले यार. एंड आई वाज लाइक वाओ आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन एंड अगेन. शी इज अ वंडरफुल पर्सन. आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, वेरी टैलेंटेड. मुझे पता है भाई. एंड डूइंग अ गुड जॉब. इसकी हर फिल्म की प्रमोशन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है करना. हां ट्रू. यार मैं तुम्हें बताती हूं, इट्स लाइक फैमिली, ठीक है, वो वाला सिस्टम है. मैं एवरी टाइम आई कम बैक टू द स्टूडियोज मुझे लगता है वही असवन जे जे एवरी टाइम आई मीट देम, मैं कहती हूँ फिल्म प्रमोशन हो रही है कि मैं क्या करने आई हूँ. थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ अपने ज़हन में, लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. अच्छा जैसे मैंने ज़ारा से भी पूछा था, ज़ारा ने अपनी सिर्फ एक गलती बताई, बाकी गोल कर गई. नहीं ना जिंदगी में आप बहुत सारे टाइम खत्म हो गया था. नहीं मैं अभी दोबारा भी आ सकती हूँ, कोई मसला नहीं. देखिए जैसे मैंने ज़ारा से पूछा जिंदगी में कोई तीन गलतियाँ, ऐसे तो हम बहुत गलतियाँ करते हैं, गलती की पुतला है इंसान तो, लेकिन कोई तीन ऐसी गलतियाँ हैं जो तुम बता सकती हो? जो मैं बता सकती हूँ, तुम अपनी गलती से ही सीखी हो. मैं अच्छा इस तरह का मुझसे जब सवाल पूछा जाता है तो सब भूल जाता है. गलती मैं नो मेरे साथ यही हुआ. आई थिंक एक चीज है कि इंसान, यू आर राइट, गलतियों का पुतला है, हम गलतियाँ करते हैं, हम दिन रात गलतियाँ करते हैं. लेकिन एक जो चीज रेजिलियंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक बहुत सारे लोग होते हैं, हम अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत को भूल जाते हैं. हम वो गलतियाँ अपने अंदर बांध लेते हैं कि यार ये मैंने गलती की थी, अब इसका पछतावा मुझे है. मेरा आई थिंक वो रहा है कि गलती की, बिल्कुल की, अल्लाह मियाँ सॉरी, भुगता भी और फिर उसके बाद भूल गए, आगे सीखा और आगे चल पड़े. एंड मोस्टली मुझसे अगर कोई पूछा जाए तो मुझे उस तरह से नहीं याद रहता कि मैं अभी सुबह सुबह शाम को मेरे से गलती हुई, मैं सो गई, मैं इतनी लेट पहुंची थी, मैं सो गई, मैंने कहा अल्लाह अल्लाह भगाओ मुझे यहाँ से. लेकिन छोटी मोटी तो होती रहती हैं. कोई बड़ी गलतियाँ उस तरह से होता है ना, कभी कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी भाई, डूब गया पैसा, कोई प्रोजेक्ट बना दिया, कोई प्रोजेक्ट साइन कर दिया और टीम नहीं अच्छी निकली, बाद में पता चला अल्लाह ये कहाँ फंस गई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा. कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है ना जो आपको कहते हैं चार महीने में खत्म होना है, वो चार साल ले लेता है. अच्छा उसमें मेरी एक अप्रोच है ना कि वो उस तरह की चीज को मैं गलती मानती नहीं. अच्छी मैं गलती नहीं है ना काम में, मैं बुरे से बुरा एक्सपीरियंस, घटिया से घटिया एक्सपीरियंस मैं कहती हूँ. एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, हुए हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस, लेकिन वो गलत ही नहीं मानती. मैं उसको ओन करती हूँ, कहती हूँ यू नो व्हाट, मुझे ना इस जगह पे डाला गया है बकायदा कि मैं सीखूं इससे कुछ. तो अगर मैं ये सोचूंगी कि यार ये गलती होगी, मेरे से वो अनबेरेबल हो जाएगा. तो मैं देखती हूँ कि अच्छा ये अब मैंने, अब ये मुझे क्या सबक मिल रहा है, अब मैं क्या सीख रही हूँ. तो वो उस तरह से, उस लिहाज से अगर आप पूछ रही हैं तो मेरा नहीं, उसको मैं गलती नहीं कहूँगी भाई. इनसे तो मैंने पूछा कि जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की अकेली तो नहीं रह सकती जिंदगी में, कौन आया ये मतलब यार, इन्होंने तो घुमा फिरा दिया. हरीम इज हियर लाइक यू आर ब्यूटीफुल. ज़ारा ने मुझसे वादा किया है ब्यूटी, ये तो आप मान. ज़ारा ने मुझसे वादा किया कि चंद मिनट में या चंद घंटे में मुझे सरप्राइज दे सकती है और बता सकती है. डिपेंड्स उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है. तो अब मैं उनके मूड का इंतजार कर रही हूँ. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिंदगी में कोई हवा, ठंडी हवा का झोंका हरीम के भी आया कि नहीं? ऐसी हाँ ना, और क्या मुझे ऐसी हवा कुटनी होती है. ये ठंडी हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका आया कि नहीं? ये मेरे से हर कोई ये सवाल करता है. हाँ
ब्लश कर गई, लाल हो गई. अच्छा वाला ब्लश ऑन लगाया लेकिन नहीं बिल्कुल. आई मीन यू आर ब्लेस्ड अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई ऐसी वो दी है, नेमत दी है और आपको जिंदगी में कभी यू हैव फेल्ट दैट फॉर समबडी. और लेकिन शादी की जहाँ तक बात है, मैं शादी थोड़ी पूछ रही हूँ मैं. हाँ, जैसे सभा कमर को फूल आते हैं इतने सारे, मैं तो देख के ही खुश हो जाती हूँ. मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हाथ नहीं पीले की, लेकिन मोहब्बत तो है जिंदगी में, तो वो देख के मुझे खुशी होती है. इतने सारे फूल फूलों के बीच बैठी होती है. अच्छा लो, हाय वैसे ये तो है, माशाल्लाह लेकिन मैं अगर सच बात बताऊँ तो मैं थोड़ी शर्मीली हूँ इस मामले में. शायद मैं ना बता सकूँ यहाँ पे कुछ ऐसा. एक शर्मीली है, एक बूढ़ी है. अपने दया से सामिया तुमसे पूछो भाई, जिंदगी में मोहब्बत हुई है? हाँ, सच्चा प्यार मिला है? हाँ बिल्कुल. शादी हो गई, दो बच्चे हो गए मेरे. अरे सच्चे प्यार का रिजल्ट है. द राइट लेडी राइट देयर. ओके ऑनेस्टली सम टाइम कंफ्यूजन रहती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले. और कभी कभी लोग लाइफ में इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उनको फिर उस तरफ जाने का सोचने का टाइम नहीं मिलता. हाय हाय, दैट मोहब्बत का टाइम नहीं मिला. दैट एग्जैक्टली हैपेंड टू मी. ये एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे हुआ दैट आई बीन सो ऑब्सेस्ड. मैं अपने काम के साथ इतनी जुनूनी तो नहीं कह सकती, बट मैं बहुत कमिटेड रही हूँ. हो गई काम में? हाँ, मतलब इतनी कमिटेड रही हूँ कि मुझे नहीं टाइम मिला. और तुमने देखा ही नहीं तो मैं मोहब्बत से कौन देख रहा है इधर से. मैं राज खोल देती हूं, बट बॉस से अनॉइंग ये बना मूड. देखा मूड बताओ कौन दसो तुसी. अ लॉट ऑफ पीपल इतना मतलब कभी-कभी तंग करते हैं कि ब्लॉकिंग नंबर्स की जस्ट की ब्लॉकिंग देयर नंबर्स एंड ऑल. क्या इजारे मोहब्बत करते हैं तो तुम ब्लॉक कर देते हो? नहीं है, अच्छे हैं, दे आर गुड लुकिंग गाइस एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तुम नंबर ब्लॉक, तुम्हारी कितनी लंबी लिस्ट है ब्लॉक करने? बहुत ज्यादा. आप हमें वो लिस्ट दिखा दें. आप भी ब्लॉक करती हैं? लेकिन मेरे अपने दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि जब ये टॉपिक आता है ना तो मैडम भाग जाती है. लेकिन मोहब्बत की मैं एक चीज कहूंगी कि यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू आर वेरी हेल बेंट ऑन अचीविंग योर एम्बिशंस तो भूल जाते हैं आप. लेकिन मोहब्बत का एक बहुत बड़ा मसला है, वो नहीं देखती है कि आप कितने एम्बिशियस हैं, आप कितने एम्बिशियस नहीं है. वो हो जाती है, बट उसके लिए यू हैव टू फॉल इन लव ट्रूली. यही तो मसला है, वो हो जाती है. सो दैट डे शी इज आस्किंग कब वो दिन आएगा. आ चुका होगा, बता नहीं रही है. ये लोग दोनों मिस्त्री बन के बैठी हुई है, बता नहीं रही है, घुल के बात ही नहीं कर रही है. मैंने बड़े बड़े के दबाने खुलवा लिए हैं. मुझे आई फील यू नो शर्म आ रही है. प्लीज यू गो अहेड, यू कैन टॉक अबाउट. रुमाल ला के दे, शर्म आ रही है मेरे गेस्ट को. बट ऐसा है, जो होगा वो दुनिया के सामने पता चल जाएगा. शोबिज़ एक ऐसी चीज़ है, कुछ नहीं छुपा. रहने दें, आप बहुत छुपी रुस्तम है, कुछ नहीं पता चलता. कुछ नहीं पता चलता, गायब हो जाती है फिर आ जाती है फिर गायब हो जाती है. हम लोग ढूंढते रहते हैं. पिछले साल ज़ारा आ रही थी शो पे, फिर रिश्तेदार आ गए तो नहीं आई. अच्छा, मैंने कहा पिछले साल हुई थी. हाँ, तुम चीजों को छुपा सकती हो, तुम अपनी फीलिंग्स को छुपा सकती हो या वो मैं बहुत उजागर हो जाती अच्छी हूँ इस मामले में. सीरियसली मैं बहुत अच्छी हूँ इस मामले में. मेरा हाँ, मेरा फॉर सम वियर्ड रीज़न आई थिंक मुझे एक्टिंग का मजा ही शायद इसलिए आता है क्योंकि थ्रू माई कैरेक्टर्स आई एम एबल टू एक्सप्रेस. वरना अदरवाइज तो मैं आई एम वेरी गुड एट इट. मैं क्योंकि हरीम की दोस्ती इतनी पक्की वाली होती है कि लोग कह रहे थे अभी आएगी कोई खुशी खबर, अभी आएगी. फिर पता चलता है हरीम उसकी शादी पे डांस करेंगे. इतनी दफा यही हुआ. मैं तो भाई ये दोस्तों की दोस्त है तो जाहिर है. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़की या लड़का वो उनके एक ही जैसे दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं. True. तो हरीम मेरे लिए दोस्ती में कोई वो नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई एज नहीं है. दोस्ती है तो दोस्ती है. और अच्छा चलो मत बताओ किसी का भी नाम, जिसकी नाम सुन के दिल में लड्डू फूटते हैं. सिर्फ ये बता दो कि अगर कोई भी जब भी होगा वो होगा कैसा, चाहिए कैसा, क्या चीज़ तुम एक आदमी में देखती हो अपने ऑपोजिट जो तुम्हारा स्पाउस होगा या तुम्हारा कोई भी होगा जिससे तुम प्यार करोगी, वो होना कैसा चाहिए?
उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ये तो मैंने आप भी सोच लें। मैं वही देख रही हूँ, एक चीज तो मैं फौरन पटाख मुँह से निकलता है कि यार लंबा होना चाहिए। मुझे खुद से ना पहनने पड़े, मर्जी हो तो हील पहन के फिरूँ। लेकिन एक चीज ओवर द इयर्स इतने लोगों से मिलने के बाद, और अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, लेकिन एक चीज मैंने सीख ली, इंसान यहाँ से होता है, दिल से होता है, जो भी होता है यहाँ से होता है, उसमें उसमें एम्पथी है, उसमें काइंडनेस है, उसमें जेनरोसिटी है, उसमें अगर अगले इंसान के लिए वो है, केयर है, तो वो इंसान बहुत खूबसूरत है। तो और लंबा हो जाए साथ तो बहुत टॉल हो, गंजा या पेट निकला हुआ चलेगा, सिर्फ दिल अच्छा होना चाहिए। ये मुझसे किसी और ने भी सवाल किया था और मुझे अभी एग्जैक्टली वही ये, मैंने कहा यार ये निदा मुझसे अगला सवाल ये ना पूछे, क्योंकि मैं एक दफा जलील हो चुकी हूँ उससे कि अच्छा ठीक है गंजा मुझे मसला नहीं है, मुझे ऑनेस्टली पेट से भी मसला नहीं है, मुझे मसला सुस्ती से है, मुझे मसला काइलुल वजूद ना, हाँ 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 मुझे इससे है कि अपना अब जो अपना ही नहीं ख्याल रखता होगा, जिसको अपने बारे में ही कोई शेव बनाने का उसको एक महीने बाद याद है, अच्छा यार तो हाँ क्योंकि देखिए जो लोग होते हैं ना जो दूसरों का ख्याल रखते हैं उनमें ऑटोमेटिक अपने लिए होता है कि यार हम भी अपना ख्याल रखें। मैं हमेशा इट्स बॉडी पॉजिटिविटी तो 100% कहती हूँ, एवरीबडी फेसेस इशूज, एवरीबडी नोबडी इज परफेक्ट येट, Everybody is perfect. Yes. लेकिन अगर आप खुद ही कहें जी नहीं मैंने तो कुछ करना ही छोड़ दिया, आपने बिल्कुल छोड़ दिया, वो नहीं चाहिए। हाँ, और unless until you're not suffering, इस बात को इधर ही रखना हरी, मैं बढ़ रही हूँ ब्रेक की तरह और वापस आऊंगी, जरा सोच के रखना, ये तो बता सकती हूँ। अपनी लिस्ट बना दी तब तक जाने सहूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शाने सहूर, एक तरफ हैं ज़ारा शेख और एक तरफ हैं हरीम फारूक, और यहाँ इनके जैसे खुद चमक रही हैं वैसे हमने चमकदार चीज़ें पॉम्पॉम्स पकड़ा दी हैं हाथों में, और कुछ सवालात दोनों के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उन सवालात के जवाब अगर हाँ में होंगे तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी के साथ पॉम्पॉम्स हिलाए, सेलिब्रेटिंग समथिंग। ओके, अक्सर उधार देके मैं भूल जाती हूँ, अक्सर उधार देके मैं भूल जाती हूँ, उधार देके पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बाकी उधार लेके पैसे देके देके लाइक देखे उधार देके लेके खुशी खुशी, हाँ खुशी खुशी, मैं खुशी खुशी नहीं कहीं बहुत दफा हुआ ऐसा जिंदगी, उधार और कर्जा तो मैं कहती हूँ कि बस दिया तो दिया, अगर किसी को अगर किसी को इतनी जरूरत थी तो अल्लाह ने वसीला बनाया, और अगर वो कर सकते हैं वापस तो ठीक है सही है, नहीं तो फिर कोई मसला माफ कर देती हूँ इंशाल्लाह कयामत के दिन। किया तो दिया। लोगों का झूठ आसानी से पकड़ लेती हूँ मैं, नहीं यस ये तो सब एक्सरे मशीन बैठी हुई है मेरे पास दोनों, वाकई मोस्टली 95% ऑफ द टाइम्स मजा भी आता, फिर मैं आगे खेलती भी हूँ। अच्छा चलें और बताएं फिर। अच्छा मेरा 85 मैं कहूँगी, बिकॉज आई एम नॉट एज स्मार्ट पर्सन एज जैसे बाकी लोग होते हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन सूनर और लेटर मुझे भी पता चल जाता है, जस्ट लाइक फॉरन नहीं पता चलता लेकिन थोड़ी सी, एंड देन आई आल्सो स्टार्ट प्लेइंग एक्चुअली, खूब मजा लेती हूँ, खेलो झूठे को घर तक पहुंचा के आती हूं, यू वांट टू झूठे को घर तक पहुंचा के आती हूं, और अभी क्या चल रहा है फिर। ओके अच्छा, अक्सर कहीं जाते हुए रास्ता भूल जाती हूँ, एक दफा मुझे अगर कोई दिल ही याद हो जाए मैं कोई निशानी लगा लेती हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है ये मैं भूल जाऊंगी, अच्छा चलो ये दरवाजा याद रखती हूँ, अच्छा नहीं ये दुकान याद रखती हूँ, अच्छा चलो ये भी छोड़ो ये फ्लावर्स याद रखती, अच्छा फ्लावर्स तो हर वक्त तो नहीं रहते उधर, हाँ लेकिन कुछ ना कुछ निशानी, कुछ ना कुछ निशानी अपने लिए। रास्ता भूलने की बात कर रही है, मैं तो चलते चलते गिर जाती हूँ, मेरा तो बहुत बुरा हाल है इस मामले, इसका मतलब पहली शाइस्ता और दूसरी हरीम ये है, इस तरह बहुत दफा गिर चुकी मैं हर जब भी मैं कोई पब्लिक इवेंट करती हूँ ना ये या कोई भी इस तरह का टीवी का कोई होता है कुछ होता है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ प्लीज मुझे बस इधर ना गिराइए, मतलब मैं चलते चलते मतलब ये आदत
शोबिज़ से पहले से है, मतलब शुरू से स्कूल कॉलेज वगैरह वहाँ पे भी ऐसे? मैं तो उस दिन अपनी दोस्त के साथ निकली तो मैंने कहा सर मुझे याद है हम बाहर क्यों नहीं जाते, क्यों? मैंने कहा हम सोशल एम्बैरेसमेंट है इसलिए। और जो कोई रास्ता भूली हो, बहुत बड़ा नुकसान उठाया रास्ता भूलने का? बहुत बड़ा नुकसान उठाया रास्ता भूलने का एज सच नहीं, मैं घूम फिर के मैं बता देती हूँ कि मैं रास्ता भूल गया, मैं कहीं लेट हो रही, मैं किसी सॉरी थैंक गॉड फॉर गूगल मैप्स। यस थैंक गॉड फॉर गूगल, भले वो बहुत घुमा के लेके जाते हैं ना, आपको यहाँ नहीं वो वहाँ से पकड़ के लाते हैं, लेकिन है। लेकिन अगर मैं किसी फोकस उसमें जा रही हूँ ना, कुछ जगह है जो मुझे बिल्कुल डट्टी भी होती है कि हाँ ठीक है ये मुझे पता है, लेकिन फोकस उसमें जा रही हूँ फिर तो मैं एक जगह ना भूलूँ, कोई ईंट नहीं भूलती मैं ना। मैं ओके अच्छा, क्या बार्गेनिंग किए बगैर आपकी खरीदारी मुकम्मल नहीं होती, यानी थोड़े पैसे कम करवाए बगैर आपकी मुकम्मल नहीं होती? मैं इतनी शाह खर्च हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ लोग जितने पैसे मांगते हैं, बल्कि मैं इतनी दरिया दिल हूँ कि कभी कभी ज़्यादा दे आती हूँ, मतलब मुझे किसी की कोई अदा पसंद आ जाए या कोई बहुत हम्बल हो रहा है या स्वीट हो रहा है, अच्छा यार चलो 100 रुपया ज़्यादा रख लो, नहीं ऐसे ऐसे हमेशा करती रही हूँ। हाँ हमें कपड़े वाले से महंगे कपड़े खरीद लिए, जूते वाले से महंगे। हाँ मैं हूँ ऐसी, मनी मनी बस इतना आता नहीं जितना जाता है। यहाँ क्या कहानी है? ऐसी है, प्रोड्यूसर ऐसे नहीं होने चाहिए। हाँ लेकिन मैंने सीखा, मैंने काम को छोड़ के काम में मैं बहुत हूँ कि दिखाओ मुझे ये 1 रुपया कहाँ गया था, ये तो दिखाओ, लेकिन अदरवाइज जो है मुझे ऐसी थी। लेकिन फिर मैंने आई रियलाइज ओवर द ईयर्स कि नहीं एक बैलेंस होना चाहिए, एक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप हर जगह दीन में भी यही है कि जेनरोसिटी इज गुड, लेकिन ये नहीं कि आप अम्मा अब्बा के भी पैसे लुटा दे फिर अपने भी लुटा दे, और बाद में नहीं आए तो उसके भी लुटा दे। ये मैंने नुकसान किया वे, हाँ अम्मा अब्बा के पैसे लुटाए, हाँ हाँ ये मैंने बड़ा नुकसान किया, और फिर इट टुक मी इयर्स टू गेन देयर ट्रस्ट कि मैंने कहा चलो ये अल्लाह मियां थैंक यू, मैं खुद अर्न कर रही हूँ अब तो मैं उनको कह सकती हूँ, लेकिन ये मैंने हाँ मेरे अम्मा अब्बा क्यूट थैंक यू आई लव यू बेस्ट। इकलौती नहीं 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 छोटी बहन भी है, मुझे नहीं पता था, मेरी छोटी बहन भी है। इतने सारे इंटरव्यूज करने के बाद अभी तक मुझे नहीं पता कि तुम्हारी छोटी बहन भी कहाँ है, वो क्या मिस नहीं हो ना, क्या नजर आएगी वो हमें कभी? बिल्कुल नजर आएगी, एब्सोल्युटली नजर, ड्रामा में नहीं, ड्रामा में नहीं, वो उसको शौक नहीं है, हालांकि वो आर्किटेक्ट है, शी इज एन आर्किटेक्ट, उसको ब्रिलियंट आर्किटेक्ट, और उसको मैं हम सब बल्कि कहते हैं, मैं उसको कहती तुम्हें पता है तुम मेरे से बेहतर एक्टर, तो मेरे वो मेरे से ज्यादा खूबसूरत है, वो मेरे से ज्यादा बेहतर एक्टर। वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। आई विश इंशाल्लाह, वो यहाँ पे होती नहीं है, वो न्यूयॉर्क में होती है। ओके वो ओके। लेकिन वो जब और वो मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर, उसको याद दिला के आई हूँ अभी आने से पहले, ये जो तुम्हारा व्यूज है ना ये मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा जैसे अरीम बता रही है उस तरह आपकी बहन कोई भी, उसको इंटरेस्ट था शोबिज में आने का या नहीं? बट माई सिस्टर्स आर रियली बहुत अच्छी हैं, नाइस हम्बल और रिस्पेक्ट करती हैं, और हमारे वो माहौल ऐसा नहीं था कभी घर का कि बाल नोचे और नाखून मारे। नो हेल नो हेल नो हेल नो, हमने तो बड़ी पिटाइयाँ खाई है भाई, इंसान हेल नो, हमसे पूछे बहुत खाई, वी बीन वेरी लकी, मैंने भी नोचा है और उसने भी मारा। पेरेंट्स ने भी कभी हमें टच नहीं किया था, नहीं कहें, आई स्वेयर, मम्मी ने कभी चप्पल नहीं आपने निशान लगाया, मैं घर से कोई भी नहीं। माय फादर वाज अ वेरी लाइक ही यूज्ड टू लव अस लाइक अ लाइक वी आर हम जैसे प्रिंस और प्रिंसेस हैं, एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं थोड़ी सी स्पॉइल हूँ। आई मीन मैं मुझे कोई ऊंची आवाज में बात भी करे मुझे अच्छा नहीं लगता, व्हेन माय फादर डिड नॉट डू दैट तो फिर किसी और को क्यों मैं इजाजत दूं टू शाउट एट मी, बाप से बड़ा मूड बने वो बात बताने का तो मुझे बता। हाँ हाँ बताती हूँ, एग्जैक्टली, माय इयररिंग्स ड्रॉप्ड आउट, नेचुरल है, उठा देती हूँ। अच्छा भाई मैं अभी उठवा देती हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, बाल नजर भी नहीं पड़ा, किसी को कुछ पता नहीं है क्या हुआ, इट्स ओके। ओके अच्छा, गुस्सा करने के बाद पछताती है कि नहीं? बहुत। बिल्कुल ही इंटेंस हो गई थी, फिर बहुत है पछताती। और गुस्सा क्या पठानों वाला गुस्सा होता है कि नहीं? मुझे जनरली गुस्सा नहीं आता, उस तरह गुस्से की तेज नहीं हूँ, लेकिन जब कभी आए तो बहुत
तेज गुस्सा होता है. मैंने तो कभी नहीं देखा. हाँ, मुझे इस तरह से आई एम वेरी काम, आई एम वेरी कूल माइंडेड. उस तरह मुझे गुस्सा नहीं आता, इसलिए मेरा गुस्सा मैं खुद डरती हूँ अपने गुस्से से कि जब आएगा तो छप्पड़ फाड़ के आएगा. हाँ, फिर तो आपको आता है, इंसान अपने आप को ज्यादा बेहतर समझता है. मुझे जो गुस्सा आता है वो मैं बड़े अलग तरीके से निकालती हूँ. कैसे? अच्छे लोगों को साइड पे कर देती हूँ. हाँ, और फिर मैं देखती हूँ मुझे किस इंसान किस वक्त में मेरे साथ क्या किया था. फिर वो गुस्सा उस पर निकल. कैसे गुस्सा निकाल दिए? गुस्सा मारती हैं कुछ? मारपीट तो है नहीं जिंदगी में. बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अच्छा अल्लाह ताला दुआ नहीं बदुआ किसी मौके में मेरा दिल दुखा. सुने, उसको दुआ नहीं कहते, उसको बदुआ कहते. बट यार इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वो खुद ही आने लगती है टू कंट्रोल जो एंगर वगैरह होता है, बिकॉज हम लोग हाइपर हो जाते हैं. इसलिए कभी कभी काम का प्रेशर होता है, चीज़ों का प्रेशर होता है, हम लोग हैंडल नहीं कर पाते. बट मैं कंट्रोल करती हूँ. लेकिन कुछ लोगों ने मेरे हवाले से गलत बातें फैलाई हैं. थोड़ी नहीं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा. मतलब तरक्की की है मैंने काफ़ी ज़्यादा. वो गंदे मुझे गंदे गंदे यूट्यूब पे रेपुटेशन ख़राब करने के लिए वीडियोस डाल दी जाती, वो अलग लगे हुए. अरे भाई वो तो छोड़ दें, मेरे ऊपर तो नहीं अजीबो इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मैं मर चुकी हूँ. ये रूह है कोरोना में मैं एक बुरी खबर आ गई. इस्लामाबाद गई कहीं, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था. उस बंदे ने पहला क्वेश्चन मुझे ये किया, आप कुछ अरसा नजर नहीं आई, हम समझे आप ये खबर लगाई हुई आपकी. नहीं नहीं तो कि कहता किसी ने बताया कि वो तो शी इज नो मोर, ये भी खबर फैला दिया आपने. या अल्लाह, मैंने कहा देन यू आर टॉकिंग टू द गूस्ट ऑफ ज़ारा. आपने उनको जीते रहोगे यार. ऐसे हैं लोग, मतलब आप को हमारे बहुत फप्पे कुटने लोग हैं. जो एजुकेशन की कमी भी है, सेंस की कमी है, पता ही नहीं होता है. आप बगैर किसी से कंफर्म किए उसके हवाले से एक ऐसी खबर आप लगा रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक अभी आपने एक अपनी मिसाल दी कि कुछ लोगों ने ये बात कही कि जी शी इज गॉन फॉर गुड. मैंने खुद दिखाया सबको, शी इज गॉन फॉर गुड. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हम भी किसी की बेटियाँ हैं. हाँ. घरों से निकलते हैं, काम करते हैं, थोड़ा ख्याल किया करें. और काम करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, जिसका जो मुकद्दर है अल्लाह ताला ने उसको उसी रस्ते से दिया. आज तो आप कुछ नहीं कर सकते. ज़ारा का दिल दुखावा है आज तो, सही हुए. मैं वही डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है उनको मुझे. क्योंकि हाँ, ज़ारा के साथ हुआ होगा ना, जब किसी के साथ होता है ना तो फिर होता है. और फिर वो यूट्यूब पे वो गंदी सी रेपुटेशन बनाने के लिए वो जो एक वीडियोज बना के डाल देते हैं जिसमें ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि बॉडी पे मुंह लगा देते हैं. ये भी तो हां, वेट, वो डजंट बदर मी एट ऑल. सेम हियर. मशहूर होने में ये आई और छाई ना, तो आप ये बड़ी तकलीफ थी. जलने वालों का मुंह काला छोड़े. आपको लगता है मेरी परवाह की होगी? और क्या, बिल्कुल. आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन. आई एम सॉरी. अगर मैं किसी चीज की केयर करती हूँ तो वो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जात है जिससे मैं मांगती हूँ. आई डोंट नीड टू बेग एनीवन. किसी को जरूरत है मेरी, हाँ ठीक है. आई एम अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन ऑल्सो. बस आप मुझे बताएं आपका मूड बना के नहीं बता रही. फैमिली इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो फैमिली है मेरी पहले है, दे कम फर्स्ट. उसके बाद मेरे वो कोलीग्स, वो लोग जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ. और मैं ये नहीं देखती कि कौन मेरे अच्छे टाइम में आ रहा है, कौन मेरे बुरे टाइम. तब जाता है जब आपके कोई बुरे टाइम में आपके पास. वो लोग हैं जो आपके लिए लॉन्ग रन चल के आप लोगों का आपको पता चलता है कि ये दीज आर द रियल पीपल. यस, यू आर राइट, यू आर राइट. अगला मेरा अच्छा टाइम है तो यहाँ तो बहुत लाइनें लग जाएंगी. ओह ज़ारा, यू रिमेंबर मी, ओह यू रिमेंबर मी. लाइक आपको याद करवाना शुरू कर देते हैं ना वो, फिर वो अंदर से उनके भी जाग आ जाती है. ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त. अच्छा, मैं अब आपसे जो अगला सवाल करी ना वो बहुत ही मजे का है. क्योंकि ये वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं आया. तो डाइट करते हुए अक्सर डाइट तोड़ देती हूँ. मुझे तो लगता है कि ये तो नहीं करती होंगी, लेकिन आपसे मैं सवाल ये कर रही हूँ, डाइट करते हैं क्या आप डाइट तोड़ देती हैं, हाँ या नहीं? आप भी बता सकती हैं. वैसे मुझे नहीं पता बीच में आप हुई थी मोटी कि नहीं. डू यू रियली थिंक सो कि मैं डाइट करती हूँ? नहीं, कभी मुझे मैंने आपको देखा ही नहीं कभी मोटी. मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा वर्कआउट किया था. बॉडी की रिक्वायरमेंट भी थी कुछ इसी तरह, वो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली.
और बड़ी मतलब अच्छा जबरदस्त हो गया काम, बट उसके बाद someone told me कि अगर आप इसको रोक देंगे ना तो आप एक क्लमजी सी औरत बन जाएंगी, गंदी सी शेव वाली, और वो ऐसा हुआ भी है एक्चुअली. तुम करती हो? मैं तोड़ देती हूँ कभी कभार. ऊपर नीचे मैंने इतनी डाइट्स की, इतनी डाइट्स की इनिशियली, एवरीबॉडी नोज आई वाज ओवरवेट, तो वो इतना आई थिंक मेरी पूरी एक जर्नी रही है. तुम बहुत जिम भी करती हो, बहुत हार्ड वर्क भी करती हो. मेरा अभी कुछ अरसे से जो है वो ऊपर नीचे हुआ हुआ है, लेकिन हाँ हेल्थ के बारे में मैं हूँ कॉन्शियस, बहुत कॉन्शियस हो. क्लीन खाती हो? हाँ, बैलेंस्ड खाती हूँ. मैं कहती हूँ आप एंजॉय भी करें. मैं एक फेज वो भी आया कि जस्ट बिल्कुल क्लीन green, that's it, nothing else. उस तरह ज़िंदगी गुज़ारी नहीं जाती. अब मैं I'm a foodie. बोझ लगता है. I love food and I love trying all kinds. Celebration कुछ लोगों की खाने से होती है. खास तौर पे I think सब continent में. Yes. हम खास तौर पे उसको खाने को बहुत enjoy करते हैं. हमारी हर celebration पे होता है खाना, right? World wide भी निदा कहीं चले रहे हैं हम दुनिया में. खाना एक बहुत अहम चीज़ है. अहम. उसको इतना balance करें क्या आप इंजॉय भी करें और आप अपने साथ ज्यादा भी ना. मतलब हरीन के लिए मैं कह सकती हूँ खाने के लिए जीने वाली लोग हैं. खाने के लिए जीती हूँ. और ज़ारा के लिए मैं कहूँगी खाने के लिए जीती है या जीने के लिए खाती है. एक्चुअली मैं एग्री करूँगी हरीन की बात से. खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी चॉइस होती है आपने कितना खाना है. और ये ज़रूरी नहीं कि खाने वाला बंदा हेल्दी हो. आप कुछ लोगों को लगता भी नहीं है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो आपको लगता है नहीं लगता या मुझे ही खाती लगता है लेकिन लोगों को नहीं लगता सारे कि मुझे झूठ है. मुझे लगता है लेकिन लोगों को नहीं लगता कि मुझे लगता है. अच्छा लगता है क्योंकि आपने कभी अपना बताया. किसी ने मुझे कहा शी वाज माय फ्रेंड और उसने लगा कि इसको ज़ारा को थोड़ा सा उठा लेंगे ना तो उसका कोई इतना वेट नहीं होगा. बट उसने जब मुझे शिपिंग में आप उसको पता चल गया एक मिनट के लिए. फिल्मों में किसने उठाया ये बताया मुझे, मैं उससे पूछूंगी. काफी लोग तो उन्होंने कुछ कहा क्या है तुम बाल्की सी लगती है देखने में. जब वो उठा के नीचे गया तो ओ यार और बस करो हो गया वो सीन होया कि नहीं. मैं ऐसा ही उनका रिएक्शन था. बट मुझे लगा हो अच्छा मैं काफी हैवी हूँ इसका मतलब. अच्छा वो दिखने में लगता है बट वेट वेट यू कुड हैव हैवी बोन्स. हड्डियों का भी मतलब होता है. एग्जैक्टली. अच्छा चेहरे पे पिंपल आ जाए, हालांकि मैं डॉक्टर की बेटी हूँ, कोई चेहरे पे पिंपल आ जाए तो मैं फौरन घबरा जाती हूँ. हाँ भाई क्या है? मैं आई एम द वन. हाँ पिंपल आ जाए तो मैं वो फिल्टर लगा लगा के तस्वीरें बना. नहीं तो क्या करती हूँ, पिंपल फोड़ती हूँ क्या करती हूँ? नहीं वो टोटके भी होते हैं ना, सुबह उठ के थूक लगाओ पिंपल पे ये वो. तो मैं मुझे ये जो टोटका है ना इसकी मैं लॉजिक जानना चाहती हूँ. कोई कैसे होता है आपकी धूप में सच्ची में? ये जो मैं इतने लोगों से मैं कहीं खुदा के वास्ते आप जो मर्जी कर लें थूक ना लगाइएगा ये नहीं करना आपने. तो वो बोलोगी डर्मेटोलॉजिस्ट की बेटी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पिंपल्स? मैं दवाइयां रखी हुई हैं मम्मी ने सारी. एक्ने आई हैव सफर्ड फ्रॉम एक्ने फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैंने दवाई रखी हुई थी ये होगी ठीक है सही है, ये रेटिनॉल लगा लें यहाँ पे ठीक है सही होके बैठ जाएगा. रेटिनॉल से दाने चले जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, उससे जाते हैं. और देयर इज दिस वेरी, मैं जो खुद पर्सनली यूज करती हूँ क्लिनाजेल इज अ वेरी गुड. सही मैंने कर दी है. कोई बात, क्लिनाजेल इज अ वेरी गुड जेल फॉर एक्ने. अच्छा. और एक अगर मेरे पास खत्म हुआ हुआ सब कुछ भी तो हल्दी. हल्दी और हल्दी क्या पानी में मिला के लगा लेती हो या पाउडर? हल्दी में पानी में मिला के हल्का सा पेस्ट बना के उसको डे ओवरनाइट. वेरी नाइस. एक दो बहुत बड़ा हो तो एक दो दिन में चला जाता है, छोटा सा हो तो वो एक आध रात में ठीक हो जाता है. अच्छा जैसे हरीन को कुछ टोटके पता है, ज़ारा आपको कुछ टोटके पता है? मेरी जो फेवरेट ऑइंटमेंट है ना वो बेटनावीट है एक्चुअली. नहीं टोटके घरेलू टोटके जैसे बेसन में अगर आप मिक्स करें दूध मलाई अच्छा एंड सम लेमन आई गेस उसका पेस्ट बना के अगर आप लगाएं तो आई गारंटी यू आपका जो फेस है ना वो 2 से 5 मिनट में शाइन करना शुरू कर देगा और वो नेचुरल होगी. ओके. और अंडे की जर्दी का भी कुछ बनाते हैं पेस्ट. मैंने एक दफा ट्राई की थी, मुझे बू इतनी आई थी कि मुझे वो उतारना पड़ा था. अंडा मैं मानती हूँ लेकिन उसका फायदा बहुत है. किसका? अंडे की जर्दी का.
बालों पे लगाने के लिए? वो भी मेरे साथ बहुत प्याज भी लगा सकते ये भी कह रही है प्याज भी लगा सकते हैं. प्याज इज रियली गुड, बहुत अच्छा बालों के लिए. लेकिन उसको अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना तो आप चलता फिरता सालन लगेंगे लोगों को. खुद अपने अपने आप को चावल लेके आपको. आप दोनों के बाल अच्छे, मैं वही देख रही हूँ ना. तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे. अम्मी ने तो तेल की मालिशें वालिशें बड़ी की थी क्या यार मेरे. आई लाइक अच्छा ओके आई विल शो यू वन डे लेटर ऑन समटाइम्स कि मेरे बाल बहुत हैवी होते थे. अरे भाई हमने देखी नहीं है कि थिक होते थे और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता था. माय मॉम यूज्ड टू कॉम जब मैं छोटी होती थी तो क्या मुझे बड़ा शौक होता था. अच्छा जेनेटिक है या उन्होंने बड़ी मेहनत की आपके बालों पे? मेहनत करती थी, जूड़ा बनाती थी, जूड़ा बना के ना वो कर देती थी और वो एक एक इंच लंबे बाल हो जाते थे. दैट इज अ वेरी नेचुरल. जूड़ा बनाने से टोटका था कोई? हाँ नहीं, कुछ जूड़े में कुछ लगाती तो होंगी. हाँ. सारी औरतें तो जूड़ा ही बनाई नहीं होती. इट वाज लाइक अ राउंड टाइप कोई होता है ना वो. मैं क्या मिसाल दूं, कैसी दूं उसकी मिसाल. तो गोला टाइप होता है, उसके अंदर से बाल निकाल के उसको फिक्स करना. तो शी यूज्ड टू डू दैट. तो मैंने कुछ वो जड़ी बूटी लगाती हूं. जड़ी बूटी नहीं, ऐसे ही बस पड़ेगा. हां रात को सोने से पहले? नहीं नहीं, कभी भी आप लगा के वो रखे रखे और आप उसको एक दो दिन बाद अगर करते हैं निकालते हैं या एक दिन बाद भी निकाले तो इतने से एक इंच बाल आपके लंबे होते हैं. अल्लाह अम्मी से फोन करके पूछो यार वो क्या चीज थी भाई. क्या है? दैट वाज समथिंग आई डोंट नो व्हाट वाज. कोई पत्थर था, कोई जड़ी बूटी यार. उससे मेरे बाल दिनों में लंबे हो जाते थे. अल्लाह की बात है. तो और उसके अलावा प्लेटिंग में, मुझे प्लेटिंग का तो आज भी शौक है. मुझे लगता है मैं गांव से अभी अभी आई हूं. क्या प्लेटिंग? चुटिया. गुलाबी गुलाबी जोड़े और लिपस्टिक और परांदा. इट्स लाइक ऑलवेज गुलाबी. दुपट्टा. यस यस आई लव बोथ ऑफ यू आउटफिट्स. आप खुद बहुत नहीं नहीं मैं तो आज बस I'm so glad to become part of your show actually. Allah, for today thank you, actually. Thank you. So मैंने ज़्यादा concentrate नहीं किया किसी और चीज़ पे, frankly speaking. तो वो एक excitement से भी होती है आपको, but yeah, that's all. I did not do too much. Oh, I just wanted to interact with my audience and you guys. That's all. Sometime आप ज़रूरी होते हैं. Either you concentrate on joda. Or you concentrate on the personality. Oh yes. जब अगला personality सवाल आ रहा है. Okay. और लोग मुझे इतना मारेंगे ना जब मैं पूछूंगी. क्या आप लोग कभी एसी और पंखा खोल के पूछ जाते? ये मैं हाथ ही पकड़ के. मेरा सवाल ये है और अगला personality सवाल. Keep holding this now. भई आम लोगों वाली बात है. एसी और पंखा खुला के. हाँ, एसी और पंखा खुला छोड़ के. मैं ये भी करूंगी और ये भी नहीं करूंगी. एक खिलाऊंगी. अच्छा. क्योंकि मैं थी इतनी रिस्पॉन्सिबल पहले, लेकिन वो अभी रिसेंटली इनफैक्ट मुल्क के हालात जब इतने ख़राब होना शुरू हुए तो मैंने कहा हरीम नहीं, इतनी नहीं गैर जिम्मेदारी हो सकती. मतलब अब चलो मेरे तरफ से जो हो सकता है वो मैं करूं. एटलीस्ट कम से कम बिजली तो मैं बताऊं और बचाऊं. और आई नो कि हालात कितने बुरे हैं. अगर हम बाहर जाके देखें और अल्लाह वी शुड बी ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला के किसी के पास अगर कुछ भी है इस वक्त तो वी शुड बी ग्रेटफुल. तो हम जितना अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं उतना हर हाल में करें. हर हाल किसी तरह को, चाहे वो पंखा बंद करना हो, ए सी बंद करना हो, यूज़ करना हो. आप कैसी हैं? घर के पंखे और वो बंद करने वाले होते हैं ना, कोई बहुत जिम्मेदार होता है, पंखा फजूल खुला है, लाइट बहुत. माय फादर यूज्ड टू बी लाइक दैट. अच्छा. ऐसे होते थे. ये चीज़ मैंने अबू से सीखी है कि फालतू पंखा नहीं चलना चाहिए. अगर कमरे में कोई नहीं बैठा है तो लाइट्स ऑफ कर दी जाए. उससे ये होता है कि आपका अपना तो फायदा होता है लेकिन आप दूसरों को भी फायदा दे रहे हो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. टेक्निकल चीज़ें आपको समझना चाहिए इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और आर्ग्यूइंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इश्यूज. तो जो चीज़ है वो है. बिल्कुल. सामिया, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, ज़रा बताओ तो तुमने क्या पकाया हमारे मेहमानों को? बताओ.
बिल्कुल, ये यहाँ पे पनीर रेशमी हांडी बिल्कुल तैयार है और इसके साथ जो है वो फुकाशिया बन के अंदर मैंने चीज ऑमलेट और स्पिनिश यूज की है और साथ पे साइड लाइन के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि बटर मशरूम्स भी होने चाहिए बटन मशरूम्स के साथ, और ये पोटैटोज हैं जो कि मैंने बटर के अंदर रोस्ट किए हैं, और यहाँ पे कैप्सिकम है। इसके अलावा अगर आप सैंडविच में क्या डाला तुमने, किसके अंदर सैंडविच बनाया ना, सैंडविच के अंदर ये चीज़ है, ये मैंने इसको फिर बाद में अवन किया है ताकि ये अच्छे सा क्रिस्पी हो जाए। सबसे पहले आपने तकरीबन 4 अंडे लेने हैं, उसके अंदर काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक ऐड करना है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ताकि उसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। फिर आपने बटर के अंदर बारीक कटी हुई स्पेनिच यानी कि पालक को बिल्कुल ब्लांच करके, यानी कि उसका कड़वापन या जो उसका कलर है वो बिल्कुल सही, मतलब खराब ना हो और कड़वापन निकल जाए, और उसको बटर में आपने सौते करके मशरूम्स ऐड करने हैं। फिर जब वो कुक हो जाएगा तो फिर आपने इसमें अंडा ऐड करना है, फिर आप कोई भी क्रीम चीज लेंगे उसको अच्छी तरह दूध में मिक्स करेंगे ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, और फिर आप अंडे के अंदर मिक्स करके उसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल हो जाए, अच्छा क्रिस्पी हो जाए। फिर आपने फुकाशिया बन लेना है, उसको बटर करके ग्रीस करेंगे, और फिर आप उसमें अंडा रख के चीज के स्लाइस रख के अवन करेंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई भी अच्छा फ्राई पैन ले लें थोड़े बड़े साइज का, उस पर अच्छा डीप ढक्कन लगा लें ताकि स्टीम से चीज भी क्रिस्पी हो, मतलब मेल्ट हो जाए और जो फुकाशिया बने वो क्रिस्पी हो जाए। बटर लगा के ग्रीस करेंगे, जब आप उस ग्रीस जो प्लेट जिसमें आप ग्रीस कर रहे हैं या ये फुकाशिया बन को बिल्कुल बटरी कर रहे हैं, तो वो जो बचा कुचा बटर होगा उसी के अंदर आपने टोमेटो लेने हैं, मशरूम्स देने हैं, और उसको सौते करेंगे, और इस तरह आप सर्व करें इसको किसी भी कॉफ़ी के साथ या जूस के साथ। थैंक यू सामिया, थैंक यू एंड थैंक यू ज़ारा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का हमारे लिए, अपने फैंस के लिए। यहाँ मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद देखते रहिए शाने सहूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शाने सहूर। जैसे मैंने कहा था ना, कितनी मल्टी टास्किंग है मेरी हीरोइन, सब कुछ कर लिया और अब बिजनेस वूमन भी बन गई हैं। तो हरीम फारूक जो है ना, अब हमारे पास मौजूद हैं अपने परफ्यूम्स की रेंज के साथ, और मेरे साथ हरीम के साथ साथ इन्होंने ज्वाइन इन किया है ज़ुहैर हिमानी, जो कि डायरेक्टर हिमानी ग्रुप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ुहैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस टू सी आफ्टर सो लॉन्ग, सेम हियर। ये अच्छा है कि आप ब्रेक देते हैं, कोई प्रोडक्ट आती है फिर ब्रेक देते हैं ताकि वो तब मिक्स नहीं हो जाती। जी एब्सोल्युटली। और और ये प्रोडक्ट तो हमें ऑलमोस्ट एक साल से हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और एक साल बाद ये प्रोडक्ट बना है। हरीम ने मुझे बताया एक साल लगा है। दे हैव बीन वेरी पेशेंट विद मी एंड आई रियली हैव टू थैंक यू गाइस, क्योंकि मेरा ना एक चीज़ होती, मैं कहती हूँ कि अगर किसी चीज़ पे नाम जा रहा है तो उसमें क्रेडिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, और उसमें वो ही एंथुजियाज्म होना चाहिए और वही पैशन होना चाहिए उसमें भी। बिल्कुल, कि सिर्फ ये नहीं कि या हिमानी इज अ बिग ब्रांड तो वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हाँ जी कुछ भी निकाल दें, एंड दे कुड हैव डन इट, उनके लिए इट वाज नॉट एन इशू फॉर देम, बट उन्होंने कहा दे अंडरस्टूड कि नहीं ठीक है, शी वॉन्ट्स टू वर्क ऑन इट, तो उन्होंने भी वो सब्र दिखाया, तो थैंक यू सो मच। और वो सिर्फ सब्र नहीं दिखाया, दे actually and I was so happy Dominic ke baare mein, if you tell them a little bit about to hamari first meeting hui thi Dubai mein, aur us time pe humne bataya tha ki hamare paas do journeys hai karne ka, ek ye journey hai jo bahut common hai ki jo fast selling international fragrances hai uski milti julti influence karke us type ki similar fragrance banaye aur aap le aaye, logo ko wo khushbu pasand aayegi aap nikal dein, ya dusra ye ki aap apna bilkul scratch se create kare, to we were lucky ki kyunki alhamdulillah aaj Pakistan mein hamare state of art factories hai, to hamare kuch affiliations hai, hamare ek affiliation hai परफ्यूमर ऑफ द ईयर 2021 जो डोमिनिक मोलहाउसन उनका नाम है, वो इटालियन लेडी है, उनको हमने इस प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड लिया, एंड उन्होंने हरीम के साथ बैठ के इस फ्रेगरेंस को बिल्कुल न्यूली बनाया। ये वो खातून है जो टॉम फोर्ड उस टाइप के बड़े बड़े फ्रेगरेंसेस डिजाइन करती है। हरीम बैठ के सिलेक्शन की कि मुझे ये खुशबू पसंद आ रही है ज्यादा। हाँ हरीम, ये उन्होंने पहले शी टुक अ प्रॉपर इंटरव्यू, आई स्टिल रिमेंबर दैट जूम कॉल, उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू लिया कि आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कलर्स क्या पसंद है आपको, फूल क्या पसंद है आपको, इस तरह की चीज़ें, मौसम क्या पसंद है, इस तरह की चीज़ें, एंड देन शी आस्क्ड मी कि आपको जनरली परफ्यूम्स किस किस्म के पसंद हैं, और उसके लिहाज से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 सैंपल्स बनाए थे उन्होंने, 27 उन्होंने डिफरेंट परफ्यूम्स बनाए थे, जो फिर ऑल लेडीज
फिर इवेंचुअली जो बैठ के हम सालों ने मिलके इवेंचुअली वी केम डाउन टू दीस फोर सारे. तो इट वाज इट्स बीन अ वेरी नाइस. अब अगर हम कलर्स तो अभी मुझे नजर आ रहे हैं पिंक ग्रीन वाइट और लाइक वनीला लाइट येलो, लेकिन मुझे इसके नामों से अगर तुम बताओ हरीम और आप भी जो है कि क्या है और इसकी क्या खासियत है, अलग अलग को हम कैप्चर करते हैं, कहाँ किससे शुरू करें हम बताओ कौन से कलर. आप चारों से शुरू कर लें. मैं अगेन मैं इसलिए इन लोगों को प्रॉपर क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का क्योंकि दे अंडरस्टूड. मैंने जब मैंने कहा कि अगर अगर मैं ब्रांड निकालूंगी तो सिर्फ इस नीयत से नहीं निकालना चाहती कि यार मेरा ब्रांड हो एक. आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू माई पीपल, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू द वर्ल्ड. तो अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं क्या किस तरह कर सकती हूँ. परफ्यूम्स मेरी ऑब्सेशन है. आई एम ऑब्सेस्ड. मैं शायद किसी और चीज़ पे इतने पैसे नहीं लगाती जितने मैं परफ्यूम्स पे लगा देती हूँ. अच्छा. खुशी खुशी. हाँ. मैं कहती हूँ कि बस यही है, खुशबू ही चाहिए. हाँ. ज़िंदगी में. लेकिन मैं ऐसा क्या अलग कर लूँगी, मैं उनको क्या नाम दूँ जिसमें कोई अपनाइयत हो, कोई किसी के लिए कोई इंस्पिरेशन हो, क्या हो. मुझे लगता है कि ज़िंदगी में लव, जॉय, होप एंड फेथ, और ये मैं अपने ही लाइफ एक्सपीरियंसेस से कहती हूँ कि ये चार चीज़ें होती हैं जिनके बगैर ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, जिनके बगैर ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है. सो हरीम इज ऑलवेज बीन अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. आप हरीम से बात करें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छे हैं. तो उन्होंने भी जो परफ्यूम्स निकाले ना, उन्होंने बोला मैं पॉजिटिविटी को फैला. आज के लाइफ के अंदर जिसके अंदर हर बंदा परेशानी है, तो हरीम ने कहा मैं इसको एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आती हूँ. नहीं तो लोग इस टाइप के मैसेज को बड़ा एक वो हेजिटेट करते हैं. बट शी वॉन्टेड टू ब्रिंग हर पर्सनैलिटी, जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है वो आगे वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर दिखाना चाहिए. मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को एक फेथ खरीदे तो कुछ हो, कोई बुरा वक्त चल रहा हो. कौन सा वाला है फेथ? ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला है, ये जो येलो ये है, ये फेथ है. दिस इज फेथ. अच्छा, फिर और फेथ की क्या, फेथ की जगह खुशबू है वो किस टाइप की है? जैसे जैस्मिन है इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा वनीला है. अच्छा. इस टाइप का जो लव है उसका नाम ने रोज डाला है. लव कौन सा वाला है? रेड वाला मुझे लग रहा है. जी जी. और इनकी जो फ्रेग्रेंस आप देखेंगे, इनका जो फर्स्ट नोट जैसे आप लगाने का, उसके जो फ्रेग्रेंस का जो डिफ्यूजन है वो बहुत आउट क्लास है. इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है. और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने फ्रेग्रेंसेस बनाए, मैं ये कह सकता हूँ ये फ्रेग्रेंस हमने सबसे ज्यादा मेहनत की है. ओके. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. इस पे लव वाले मतलब ये पूरी चार पूरी रेंज पे. अच्छा, ये हो गया फेथ. मुझे तो याद हो गया ना, ये हो गया लव. ठीक है. अब होप कौन सा है? ग्रीन. ये होप है. जी जी जी. अच्छा, और ये जॉय. अच्छा, जो होप है वो किस तरह की खुशबू है? अगेन इसके अंदर भी हमने फ्लावर्स, ग्रीन फ्लोरल्स, फ्लोरल्स एंड थोड़ी सी मस्की. होप मेरी फेवरेट है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्मेल्स. हां, ये मुझे आई लव. हां हां. जी मुझे बहुत मजे की है ये खुशबू. मुझे बड़ी रिफ्रेशिंग लगी. अच्छा, मुझे ऐसा लगा तुम्हें स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद है. लॉन्ग लास्टिंग और थोड़ी सी जो फ्लोरल और मस्की एट द सेम टाइम. और थोड़ी सी उनमें जो एक मिस्टीरियसनेस होती है कि ये क्या है, क्या पहनावा है, व्हाट इज दिस. और इस खुशबू की क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप किया है, तो ये ओवर टाइम जो है ये अपने ना फ्रेग्रेंसेस को चेंज है ना. आपने जो फर्स्ट स्मेल लगाए और फिर थोड़े टाइम बाद उसको स्मेल करेंगे, आपकी फ्रेग्रेंस जो है वो इवॉल्व हो रही है. तो इसको बड़ा एक डिफरेंट आम मार्केट के अंदर जितने फीमेल फ्रेग्रेंस उससे बहुत हटके है, लेकिन वो फ्रेग्रेंसेज है जो पाकिस्तान की खवातीन इस फ्रेग्रेंस को पसंद करेंगे. अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हिमानी की ये मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हुई है. जी, जी, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला है और फैक्ट्रीज इधर हैं. सो ये एक प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह. इनफैक्ट हमारी कुछ फैक्ट्रीज की टूर्स हुए थे, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड आए थे जैसे ISO वगैरह होते हैं, उन्होंने हमें कहा बोला कि ये आपने बिल्कुल यूरोपियन और दुबई के अंदर जैसी फैक्ट्रीज होती है वैसी फैक्ट्री आपने पाकिस्तान में लगाई है. एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी कि किस क्वालिटी के ऊपर, किस ऑटोमेशन, पूरी हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है 100% ऑटोमाइज्ड है. तो ताकि क्वालिटी, आपको पता है फ्रेग्रेंस के अंदर एक 1 ग्राम या अगर आगे पीछे होगा ताकि पूरा खुशबू ही चेंज हो जाए, तो उसको बिल्कुल उस क्वालिटी को मेंटेन किया है. आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दी ओनली पाकिस्तान के अंदर ओनली फैक्ट्री है जो 100% ऑटोमाइज्ड है फ्रेग्रेंस के अंदर. ओह ग्रेट. हरीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मैं ये कह रही हूं, मैं बार-बार, मैं ऐसा लग रहा है पता नहीं मुझे पैसे मिल रहे हैं इसकी तारीफ करने के लिए, नहीं मिल रहे मुझे पैसे, लेकिन इट्स अ फैक्ट. बाकी जो
जो पॉजिटिविटी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मुझे उससे कहीं ज्यादा मिली. हाँ. और द नॉलेज दे हैव अबाउट परफ्यूम्स, मुझे लगता था मेरी बड़ी नॉलेज है. हाँ. तो बोझ हुए ना बोलना शुरू किया. अच्छा सही कह रहे हैं. एक हाँ. इतना सा ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाता हाँ. है चेंज. बट देव गॉट दैट नॉलेज इन माशाल्लाह बिकॉज देव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स. तो यू कैन सी इट इन देयर वर्क कि वो हल्का काम नहीं है कि हाँ जी बस परफ्यूम बनाया जी भेजते हैं ये करते हैं इसमें कितना. आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट द अल्कोहल कंटेंट ऑफ इट एज वेल कि लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए उसमें हम कम आप यू वर द वन हु एक्चुअली जी हमने बिल्कुल इसको डिफ्यूजन भी जो है हमने इसको एक 25-30% के फ्रेग्रेंस पे रखा है ताकि वो आपको बिल्कुल स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग हो. एंड इनफैक्ट आज हमने इसको लॉन्च किया है ऑफिशियली और वी हैव अ डिस्काउंट आल्सो. ये बताए ना जरा काम की बात तो ये किया आपने कि अब कितने दिन तक डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है और लोग कैसे परचेज कर सकते हैं. जी यू नो से श्योर आप किसी भी WB बाय हिमानी के किसी भी आउटलेट पे इट्स अवेलेबल. हिमानी ऑनलाइन डॉट कॉम पे इट्स अवेलेबल ओवर देयर एज वेल. एंड देयर इज अ 15% डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट ईद तक है डिस्काउंट तक अभी ईद की शॉपिंग वगैरह. ओहो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त लगा के घूमे. ईद तक डिस्काउंट है और जिसने जो हरीम फारूक के फैंस है सबसे पहले तो वही अप्रोच करेंगे कि हम हरीम के परफ्यूम्स लेते हैं, फिर उसके बाद उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने दोस्त को बताएंगे, अपने किसी और रिश्तेदार को बताएंगे और इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ से ही चीज़ें जो है आगे जाती हैं. इंशाल्लाह इसी तरह हम खुशियाँ मेरे घर में लड़ाई होती है, सर ने कहा नहीं एजाज ने मेरे लिए भेजा होगा, मुझसे मुझे दी है. मैं अभी एजाज के वो परफ्यूम्स जो लगे हुए थे हम मॉल पे थे वापस उनके थे, एक्चुअली वेरी नाइस. वो यूनिसेक्स है, सभी यूज कर सकते हैं. और क्या हम लोग तो करते हैं, लेकिन यासरी परफ्यूम यूज नहीं कर सकेगा. यस, सो मैं दोबारा से बता दूं जो परफ्यूम्स के नाम मुझे तो याद हो गए, आपको भी हो जाने चाहिए. एक लव है, एक फेथ है, एक होप है और वो वाला कौन सा था, जॉय. देखा याद हो गया मुझे, ऐसे ही नाम होने चाहिए जो एकदम जबान पे आ जाए, एकदम दिमाग में आ जाए, बस दिल में उतरने वाली देर है इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के परफ्यूम को. हरीम आपको बेस्ट ऑफ लक, आप सारा काम बहुत दिल से करती हैं, इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब होंगे. थैंक यू सो मच जी. तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है एंजॉय किया होगा आपने. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल दुआओं में. याद रखिएगा जाने से पहले अगर ये शो मिस हो गया सुबह देख लीजिएगा 9 से 11:30 शान-ए-सहूर. खुदा हाफ़िज़.